जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी
गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ते चैव साईं करे चरण वंदन जहां हित विघ्न नाश अभीष्ट पुर तमादि देवं करुणानिधानं तमाल वर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि कृतनरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अजयं मदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ धरो बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण महाराज उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य यह है अगर किसको भक्ति करना तो ये चार नियमों को उसको पालन करनी चाहिए। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य नष्ट हो जाता है। दूसरा है किसी तरह का नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा ये सब नहीं लेनी चाहिए। धर्म का दूसरा चरण तपस्या उससे तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा है स्त्रियों अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए धर्म का तीसरा चरण पवित्रता उसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा है जीव हिंसा। जीव हिंसा करने पर हृदय से सारी दया नष्ट हो जाती है। और सबसे जो बड़ा पाप बताया कि जीव हिंसा है। जीव हिंसा मतलब है ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण का ये सबसे ज्यादा पाप उसको बताया गया। इससे दया हृदय से नष्ट हो जाती है। एक दिन परीक्षित महाराज जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे बड़ी जोर से उनको प्यास लगी। देखा एक ऋषि बैठे करके तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने उनको पानी मांगा। सचमुच से वो ऋषि भजन कर रहे थे और इतने ध्यान में बैठे हुए थे इतने डूबे हुए थे ध्यान में उनको होश आवास नहीं था। परीक्षित महाराज उनको पानी मांगे पानी नहीं दिया तो गले में उन्होंने मृत सर्प को डाल दिया। अब उसके बच्चे को पता चलते ही उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं उन्हें अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। अभी ये बात जब उसको पिताजी को पता चला उसने बेटे को बोले हम कितने सौभाग्य हमारे आश्रम में श्री परीक्षित महाराज आए थे वो परम कृष्ण भक्त है उनको तो पानी दिया ही नहीं फिर तुमने उल्टा अभिशाप दे दिया। बोले मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ वाणी में जो शक्ति वो नष्ट हो जाए।
तब से ब्राह्मण का जो बाघ शक्ति सबके सब खत्म हो गई। बोले भैया कम से कम परीक्षित महाराज को सूचित करो। जब परीक्षित महाराज को सूचित किया, परीक्षित महाराज दुखी नहीं हो बरम आनंद हो। बोले क्यों? बोले मरने से एक मिनट पहले जिसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला, लेकिन ठाकुर जी को देखो कितने कृपा है, सात सात दिन पहले मेरे को ठाकुर जी ने सूचित कर दिया मैं सात दिन में अंदर में मरने वाला नहीं। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपना बच्चे को उन्होंने राज्याभिषेक करके उन्होंने बोले जब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं पानी तक भी नहीं पीऊंगा। पहले ये टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था। सारे ऋषियों को पता चला भी श्री 88,000 ऋषि लोग यहाँ एकत्र होंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे यहाँ पर भगवान की कथा होगी। जितने ऋषि मुनि लोग थे सबके सब वहां पर एकत्रित हुए। परीक्षित महाराज बोले ये मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में ठाकुर का वरदान है, क्योंकि जीवन में एक संत दर्शन बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आज देखो यहाँ पर 88,000 ऋषियों का एकत्रित है, आज तो मेरा जीवन मेरी धन्य जीवन हो गया। तो उन्होंने सारे ऋषियों को प्रश्न करते हैं कत अद्य वा अब तत वा मृत्यु वही प्राणिना ध्रुव, आज हो नहीं तो कल हो नहीं तो परसों हो नहीं तो बरसों हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको एक दिन मरना ही है। ये जगत में कोई नहीं बोल सकता है मैं अमर रह सकता हूँ, ऐसे जो मरना से व्यक्ति का क्या कर सकते हैं। लेकिन कहते नासो मनिर जस मतम न भरनम, वहां पर ऐसे कोई मुनि नहीं थे जिनका मध ही अलग था। कोई बोल रहे थे भैया विघ्न विनाश में श्री गणेश जी की पूजा करो, वो सारे विघ्नों को दूर कर सकते हैं। किसी ने बोले क्या उसका मैया कहीं चली गई, उसको मैया को पूजा करो ना देवी को। किसने बोले उसको पिताजी क्या कहीं चले गए, भोले बाबा को पूजा करो। किसने बोले मृत्युंजय कवच को पाठ करो, जिसमें मृत्यु का जय कर सकते हो। परीक्षित महाराज ने देखा लगता है जितने ऋषि बैठे ना ये एक एक अभिशाप है, अगर मैं एक का बात सुनो और दूसरे का बात नहीं सुनू पर तो सोचेगा मेरे अपमान हुई है। अभी उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए। बोले ठाकुर जी आप ही मुझे मातृ गर्भ में रखा कीजिए, मेरे केवल अंतिम एक ही इच्छा है जैसे आपकी कथा सुनते 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 जैसे मेरे शांति बीत जाए। जब प्रार्थना की भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होंगे परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है अभी कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी तो श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रश्न करते हैं। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि जो बिना परम गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य मानस्य सर्वथा। बोले परीक्षित महाराज ये जगत में सबके सब मरणशील व्यक्ति है, इसलिए आप कृपा करके ये बताइए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन ये ऐसे ही जगत है ना, भले जितने बड़े पैसा वाला क्यों नहीं हो जाओ, देखना किसको कभी तृप्त नहीं होता है। हम कहते ना कमाई करो, देखना कमाई करो, कमाई करो मतलब क्या, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए कम आई मतलब और ज्यादा आनी चाहिए कम आई। जितने बड़े से बड़े पैसा वाला को पूछ लो, टाटा बिरला को पूछ लो, तुम्हारे पास में इतना पैसा है क्या तुम तृप्त हो गए हो, बोलेगा नहीं, सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़े पैसा वाला भी होना चाहिए। इसलिए इनका यही प्रश्न है जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे बोले जन लब्धाच चापर लाभव मन्नते अधिकम, जिसको पाने पर उसको ऐसे लगे जीवन में हमें तृप्त हो गया, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप कृपा करके ये बताओ और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए,
अब कृपा करके जो पूछा और नहीं पूछा सारे प्रश्न का उत्तर दो। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो गए, बोले तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया जिस प्रश्न के उत्तर में केवल हरि चर्चा केवल भगवत चर्चा होने वाले, जिसमें कोई सांसारिक की कोई चर्चा नहीं। बोले बरिया सत्य प्रश्न तुमने जो प्रश्न की बहुत बढ़िया प्रश्न की, जिस प्रश्न का सराहना बड़े बड़े आत्मा में जो रमण करने वाले जो योगी लोग भी उसकी सराहना करेंगे। बोले देखो ये जो मानव शरीर हमें मिला है ये बड़े भाग्य से ही हमें मानव शरीर मिला है, जिसको कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते। दुर्लभ नहीं इसको बताया सुदुर्लभ, तो सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है, इसलिए जिसको भगवान नाम स्वयं कहते हैं बोले बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए भगवान ने जो हमें ये मानव शरीर दिया है कैसे बाय चांस हमें ये मानव शरीर हमें प्राप्त हो गया है। कहते भैया जीवन का इतने दुर्लभता क्यों कारण किया, बोले कारण है बोले साथ हमें धाम मोक्ष कर द्वारा ये 84 लाख के जीवन कोई भी कृष्ण कृष्ण राम राम बोलो, किसी पशु पक्षी कोई बोल सकता है राम राम कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोल सकता है, केवल एक जीवा हमें मिली जिस जीवा से भगवान के नाम कर सकते हैं। ये दो ही हाथ मिले हाथों से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, केवल दो ही कान मिला जिससे हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, दो ही भगवान आंखें दिए जिसमें ठाकुर को हम दर्शन कर सकते हैं, केवल एक ही हृदय दिया है 84 लाख के जीवन में जिसमें हम ठाकुर जी को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कहते ये मानव शरीर नहीं कहते हमें ठाकुर जी मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे केवल इसी जीवन में, लेकिन पाए न जय पर लोग सवार, लेकिन जिनको ये मानव शरीर तो मिला लेकिन ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान कहते हैं फिर तो सर पिटते रह जाओगे लेकिन ठाकुर और इसको बाद में और मानव शरीर में देंगे। लेकिन कहती है मानव शरीर पाकर हम कर ही रहे क्या, ये जीवन को हम बिता रहे, बोले चार काम किया है, बोले रात दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम, बोले दिन में दो काम किया बोले पैसा कमाओ और पैसा से अपना परिवार को मेंटेन से करो, रात को सो और विषय भोग कर, कहते केवल ये चार काम करते हैं
कभी जो चार काम हम कर रहे हैं, कभी ये हर ऐसे कोई जानवर नहीं जो कि ये चार काम को करता है, सब ये चार काम करते हैं, सबके सब चार काम करते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी एक उदाहरण दे रहे थे, बोले एक समय कोई जज जा रहा था, देखा एक सुअर लेटा हुआ, वो बूट पहना था, उसने वो सुअर को बड़ी जोर से मारा, मारते ही सुअर ने कहा भैया तुम मेरे को क्यों मार रहे हो, बोले तो सुअर हो, बोले तुम कौन हो, बोले दिख नहीं रहा मैं जज हूँ, देखो सुअर क्या प्रश्न करते हैं, बोले ये बता मेरे से तुम किस चीज में बड़े हो, बोले पूछ ले, बोले कितने बीवी तेरी, सुअर प्रश्न करता कितना बीवी है, बोले एक, बोले तेरे को पता है मेरी कितनी बीवी, देखिए 15-20 सुअर में हम लेट हुई ना, ये सब तो साथ में घूमता है, सब मेरे बीवी है। दूसरा प्रश्न है, बोले ये बताओ जीवन में कितने बच्चे तुमने जन्म लिया, बोले 2, 4, 8, 10, इससे ज्यादा बच्चे जन्म नहीं देते। सुअर कहता है 6 महीना में एक बार बच्चा देता हूँ, कम से कम एक दर्जन, दर्जन से कम नहीं, अब देखे होंगे 15-20 बच्चे उसको पीछे पीछे, 15-20 बच्चे उसको पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बोले इसमें तो फेल हो, बोले बात तो सही है, बोले ये बच्चा बच्चों को पालन करने के लिए तुम कितना साल लगाते हो, एक बच्चे को होना लगना कितना साल लगता है, 20-25 साल कम से कम, जब तक एक बच्चे को लिखा पढ़ा सिखा करके शादी सुधार नहीं करा देते हैं तब तक नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होता है। बोले जानते हो ये 15-15-20 बच्चों को मैं कितने दिन में होना करता हूँ, केवल 1 महीना में इनको बड़ा कर, बोले तो जब तुम लोग भी घर गृहस्थी करना सीख जाते हो, वो भी अपना घर गृहस्थी शुरू कर देते हैं। बोले ये बच्चों को तुम पालन करने के लिए पहले क्या किया, बोले पहले प्राइमरी स्कूल गया, फिर हाई स्कूल गया, फिर यूनिवर्सिटी गई, फिर कोई डिग्री किया, उसको बाद में बड़े कष्ट से नौकरी मिली, फिर 8-8, 10-10 घंटा काम करके पैसा कमा करके फिर भी बच्चों को पालन करता हूँ। सुअर ने कहा भैया मैंने अपना बच्चों को पालन करने के लिए कोई माइनर स्कूल गया नहीं, कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसकी नौकरी नहीं करता हूँ, आसानी से घूमता रहता हूँ, ताजी ताजा खाना मिलता खा लेता हूँ, इनको आसानी से मैं पालन करता हूँ। सुअर ने पूछा तेरे को रात को नींद आती है, जज को पूछ रहा तेरे रात को नींद आती है, अगर कोई ज्यादा टेंशन हो ना सांसारिक विषय में, बोले एआर कंडीशन रूम में गोली खाने पर कहते मेरे को नो टेंशन, कीचड़ के ऊपर मैं आराम से सोता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। देखो इसमें सुखदेव गोस्वामी ये समझाना चाह रहे हैं, अगर हम खाए पिए बच्चे जन्म देकर बड़ा करके अगर यही काम करते हुए अगर ये जीवन को हमने गमा दिया तो कहते भैया कोई भारी बड़ी भारी तुमने तीर नहीं मार दी, ये काम तो हर जानवर को देखो विचार करो, हर जानवर तो यही काम कर रहा है, खा रहा है पी रहा है बच्चे जन्म देता है मर जाता है, तक अगर हमने यही काम करते हुए अगर जीवन बिता दिया फिर तुम कौन सा बड़ी भारी तीर मारती है। हाँ कहते हैं फिर ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों फिर बताया, कहीं भी देखो हर स्थान पर कहते हैं भैया बड़े भागवान सतन बाबा है, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ क्यों, बोले धर्म ही देशान अधिक विशेष, केवल इसी जीवन में भगवान की भक्ति हो सकती है, इसी जीवन में हम भक्ति करते हुए हम ठाकुर जी के पास में पहुंच सकते हैं, इसीलिए ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ बताया। अगर जीवन का सारे कर्तव्य हमने की लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं की, लास्ट में देखोगे ना सब जीरो है, लास्ट में देखोगे सब जीरो मिला है और कुछ नहीं मिला। अब देखना आप तो भारतीय है, जीवन में जो कुछ करना करो जब शरीर छूट जाएगा कंधे पर ले जाते हैं हमें क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है, बोले बेटा जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही सच्चा है, और तुमने जो कुछ किया झूठा ही तुमने किए हो, अरे सब झूठा ही, जब फिर राम नाम सत्य है भगवान का नाम क्यों नहीं करते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पड़ेगी ये मानव शरीर पा करके अगर किसने भगवान की भक्ति कर दिया तो समझो ये जीवन उनकी धन्य हो गया, जीवन उसकी धन्य हो गया है, इसलिए जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए। और कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय दिया, ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं,
कलयुग में क्या करो, हाथ में काम और मन में ठाकुर जी की नाम, बस आसानी। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बार बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सृष्टि का क्रम को वर्णना कर रहे हैं। आदि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। अभी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपना मन से चतुस्वर को सृष्टि किए। चतुस्वर को बोले सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थी फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते प्रभु का भजन करते हुए मस्त मेरे मस्ती रहे। बोले ठाकुर का आदेश है सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, सृष्टि का पहला तुम हो, अब पहले ही तुम मना कर रहे हो। अभी इतने में ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया, क्रोध आया तो उनकी ललाट से श्री रुद्र प्रकट हो गए, श्री भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले भैया संसार का क्रम क्या बढ़ा, लेकिन शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी जोगी योगी महाजोगी शंकर जी, अब कहीं भी शंकर जी को देखो, देखो कि शंकर जी ध्यान में बैठे हुए देखो, हर समय उनका जब ध्यान लगती है ना कल्प कल्प तक उनका ध्यान लग जाती है। शंकर जी की इच्छा भैया भजन में तो मस्ती है, इसलिए भैया हम तो घर गृहस्थ नहीं चाहते हैं। अगर मैं पिताजी को बोल दूं ना घर गृहस्थ नहीं चाहिए, पिता बिगड़ नहीं जाए, जैसे बड़े भाई को घर बिगड़ गए। बोले ऐसे काम करो पिता, अपने आप मना कर दे। उन्होंने तो भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है, ये सृष्टि कर रहे ना संघार कर रहे हो, चुप जरूरत भी सृष्टि करने का बंद कर। शंकर जी बोले मैं तो यही सोच रहा था, पिताजी मना कर दिए। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 संतान, फिर उन्होंने अपना शरीर से दाहन और बाम अंग से मनु सत्तर पर सृष्टि की, फिर वहीं से फिर उन्होंने 3 कन्या और 2 बेटे जन्म दिए। 3 कन्या कौन है, आकृति बेहूति प्रसूति और 2 बेटे उत्थानपाद और प्रियव्रत। और यही से धीरे 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 ये सृष्टि का धीरे धीरे प्रारंभ यही से हुई है। इसलिए हम लोग मनु महाराज से हुए, इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं, हमें कहते हैं मानव कहते हैं, इसलिए क्यों मनु महाराज से हुए। लेकिन अभी का जो साइंस है ना, जैसे डार्विन का थियोरी है, पूर्व जो हमारे बंदर थे और ये बंदर का पूंछ कटते 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 खत्म जब हो गया ना हम इंसान हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र ये नहीं कहता है, हमारे स्वामी महाराज कहते हैं कि डार्विन का पितामाता शायद बंदर थे, हमारे पितामाता कोई बंदर नहीं थे, हमारे पितामाता तो ठाकुर जी है। इसलिए कहते तुम्हें माता च तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं भैया उसी समय ये बंदर से इंसान हो गए, अभी तो बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं, उसी समय क्यों हो गए, अभी क्यों एक बंदर से इंसान नहीं हो रहा है। जो उसका पूंछ कटते कटते खत्म हो गया, जो कटते कटते जब बीच का अंश गया कहां गया, धीरे धीरे कटते कटते ना अभी कोई मिलता है ऐसे, कहते नहीं हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम सबके सब किससे हुए हैं, हम सबके सब श्री ठाकुर जी से हुए हैं। देखो जैसे भगवान राम को नहीं तो भगवान कृष्ण को, देखो भगवान राम कितने हाथ हैं, कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। राम का हाथ जैसा हमारा हाथ है ऐसे नहीं, कृष्ण का हाथ जैसा हमारा ऐसे हाथ है एक नहीं, भगवान राम कृष्ण के नाक जैसा हमारा नाक ऐसे ही नहीं। उनका कितना दांत है भगवान, 32, हमारे भी 32 दांत है। ठाकुर के जैसे प्यार हमारे भी प्यार, एक बंदर को लाओ तो तुम्हारे साथ में मिलाओ, बंदर का कोई भी अंगों के साथ में मिलोगा, कोई भी बंदर का कोई भी पार्ट अंगों से मिलोगे आप शरीर एकदम नहीं मिलेगा। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले ये सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्त किया था, तुम ये प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से इंसान बने। बोले क्यों, ये जो थियोरी लोगों को नास्तिक बनाना चाह रहा था, गवर्नमेंट नास्तिक बनाना चाह रहा था, ये थियोरी तो बोले इंडिया में अमेरिका में ये थियोरी नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, अमेरिका में किसी बच्चों को ये डार्विन का थियोरी बंदर से
हमें इंसान हो गए कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। हम कोई भी शास्त्र ढूंढ लो, जैसे गीता है हमारी, भगवद गीता हिंदुओं का है। अब गीता पढ़ करके देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले ममई मांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण खुद कहते हैं जगत में जितने इंसान सब मेरे बच्चे हैं, ममई मांस ही सब तो मेरे बच्चे हैं। आप क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल उठा करके पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है। बोले भगवान ने अपना जैसे सूरत, उन्होंने अपना जैसे इंसान को बनाया। अब मुसलमान का कोई ग्रंथ उनको कुरान पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ अल्लाह ने इंसान को अपना जैसे सूरत दिया है, अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। हमारे किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया ये बंदर से ये इंसान हुए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सब जगह में बताए तुम्हें वो माता चल पिता तुम्हें, इसलिए हम कोई बंदर से नहीं जन्म हुए, हम सबके सब भगवान से आए हैं। इसलिए मनु महाराज से आए, इसलिए मनु महाराज ने भी ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है मनु संहिता। ग्रंथ का नाम मनु संहिता, मतलब इसी जगत में पति पत्नी में कैसे व्यवहार होनी चाहिए, पिता माता का क्या कर्तव्य है बच्चों का प्रति, बच्चों का क्या कर्तव्य पिता माता का प्रति, हम संसार में किस रूप में रहना चाहिए, ये मनु संहिता में मनु महाराज ने बनाया। इसलिए जितने संसार का जो विधि विधान है ना, ये मनुस्मृति में मनु महाराज ने बनाया। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं देखो, इसका प्रमाण देखो। आपका क्या गोत्र है पता नहीं, गोत्र आपका क्या गोत्र है? अत्रिषि। अत्रिषि, अत्रिषि। आपका क्या गोत्र है? आपका क्या गोत्र है? आपका क्या गोत्र है? देखना हमारे हिंदुओं का हर गोत्र है, ये गोत्र आया कहां से बताइए, गोत्र आया कहां से हमारे गोत्र? जब ब्रह्मा जी 10 पुत्र को उन्होंने जब सृष्टि किए, वो जिस ऋषि से हमारी परंपरा आई ना, जिस ऋषि से हम परंपरा आई, हम अभी भी गोत्र हैं। गोत्र कहां से आए? इसी ऋषि की परंपरा से हम आए, इसलिए हमारे भारत में सभी का गोत्र है। इसलिए कोई नहीं कहता बंदर ही हमारा गोत्र है, कोई बोलता है बंदर हमारे गोत्र है। इसलिए ये थियोरी हमें नहीं पढ़नी चाहिए, विश्वास नहीं करनी चाहिए, लोगों को नास्तिक नहीं बनानी चाहिए, लोगों को आस्तिक बनानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। जो लोग भगवान को नहीं मानते ना, अब लोग ने अकबर का नाम सुना, कौन कौन अकबर का नाम जानता है? सब जानते हैं ना। और उसका मंत्री का नाम क्या है? बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल को दो प्रश्न किया है। पहला प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, दूसरी प्रश्न था अगर भगवान है तो लोग क्या कर रहे हैं। बोले देखो हमें ये दो दिन में इसका आंसर चाहिए, नहीं तो नौकरी तुम्हारी नौकरी जाएगी। तभी स्टोरी को याद कर लो, क्योंकि देखो हम लोग हिंदू है। धीरे 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 देखो एक आश्चर्य चीज है, आप किसी मुसलमान को कभी नहीं देखोगे वो अपना अल्लाह के ऊपर अंगुल उठाता है। आप कभी सुने हो मुसलमान की, कोई मुसलमान भी अपना धर्म ऊपर अंगुल उठाता है? लेकिन हम लोग सनातन धर्म है, बड़े भाग्य से हिंदू घर हमें जन्म हुए हैं, हमारा धर्म सनातन है। सनातन मतलब क्या? पहले जो था अभी भी है और बाद में जो रहेगा, हमारे धर्म केवल सनातन। और जगत में जितने धर्म है ना वो भी सनातन धर्म है। जैसे अंग्रेजी अभी कौन सा मसीहा चल रहा है 2019 है ना, 2019 मतलब ये धर्म 2019 साल पहले धर्म था नहीं, ये धर्म था नहीं, वो बीच में आया है। मुसलमान धर्म को पूछो वो भी 5000 साल पहले कोई मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू ही शब्द से मुसलमान बने हैं। इसलिए जितने धर्म है ना कोई नित्य नहीं, केवल एक हम जो हिंदू है जो सनातन धर्म है, केवल हमारे धर्म ही ये सनातन है। सनातन मतलब क्या? सदा जो पहले था अभी है और जो बाद में रहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन जब केवल यही सनातन धर्म को ऊपर में जब कोई विपत्ति आती है मैं स्वयं अवतीर्ण होता हूँ, मैं हो आकर के क्या करता हूँ जगत में धर्म स्थापन करता हूँ।
और अधर्म को नष्ट करता हूँ। कृष्ण स्वयं कहते हैं करने के लिए कृष्ण आते हैं और कोई धर्म को रक्षा करने के लिए कृष्ण नहीं आते हैं। इसलिए उन्होंने दो प्रश्न किया, बोले दो दिन में इसका आंसर चाहिए, अभी अगर नहीं दोगे ना फिर मैं नौकरी जाएगी, अभी तो चिंता में पड़ेगी, भगवान ये तो कहाँ है, अगर ये तो कहाँ तो क्या कर रहे हैं, भैया हमें क्या पता ठाकुर जी कहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तो घर में आकर एकदम गुमसुम हो गए। उसका एक छोटा बेटा था, बोले पिताजी क्या बात है, आप तो आकर के पूरा पूरा गुमसुम हो गए हो। बोले तू बच्चा तू नहीं समझोगे। बोले पिता बताओ तो सही बात क्या है। बोले बात बड़ा गंभीर है, अकबर ने ये दो प्रश्न किया, दो इसको दो दिन में आंसर देना, नौकरी। बोले पिताजी कोई बड़ी भारी प्रश्न थोड़ी है, इसका तो आंसर मैं दे सकता हूँ। बोले तू दे दोगे। बोले और क्या, खूब खाओ पियो मस्त रहो, दो दिन बाद में मेरे को साथ में ले चलना। देखा आप लोग ध्यान दे रहे कथा को सुना, हम लोग हिंदू नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ठाकुर के ऊपर में ऐसे नहीं, कुछ लोग है ना ठाकुर भागवत तुमने देखे हो, जब कुछ देखा नहीं क्यों उसको पर विश्वास करोगे। अगर ये कथा सुनोगे ना आप किसी को विश्वास दिला सकते हो, किसको तो विश्वास दिला सकते हो। इतने में गए पिता बच्चे को लेकर गया, बोले अकबर तुमने प्रश्न का आंसर लेकर के आए। बोले ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न क्वेश्चन है, ये छोटा बेटा इसका आंसर दे सकता है। बोले बेटा दे देगा। बोले हाँ। बोले पूछो इसको। बोले बेटा बताओ भगवान है तो कहाँ है। बोले महाराज जी 10 किलो दूध मंगवाए। बोले आप बताओ ये दूध में घी है कि नहीं। बोले है। बोले दिखाओ घी कहाँ है, ये घी कहाँ दिखाओ। बोले थोड़ी ऐसे घी निकले जाएंगे, पहले गर्म हो जाओ फिर दही जमाओ उसको मंथन कर फिर मक्खन निकलेगा, जब मक्खन को गर्म करोगे जाकर के कहीं तुम्हें क्या लगेगा फिर तुमको घी निकलेगा। साधारण दूध में घी है लेकिन उसको देखने के लिए प्रोसेस है। आप बता रहे हो भगवान कहाँ है, थोड़ी लड्डू थोड़ी है। कहते यद्यपि समाधि से विधिर भी पश्यति न तब नखाग्र मरीचि। कहते हैं यद्यपि ब्रह्मा हाँ जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन जिनकी चरण की नख की छठा तक भी दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग कहते हैं ना शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यान। हम कहते हैं ना जिनको पाने के लिए सुरेश ब्रह्मा शंकर निरंतर ध्यान करते हैं लेकिन तभी वो ठाकुर को पा नहीं पाते हैं। आप कह रहे हो भगवान है तो कहाँ दिखाओ और खा लिया। इसलिए महाराज जी इसको प्रोसेस बताया, साधन भजन की प्रोसेस बताया। जब हम साधन करेंगे हृदय से सारे काम क्रोध लोभ दूर होगा फिर जाकर के भगवत दर्शन होता है। जब सुबह एक बार दर्शन कर लिया तो कृष्ण कहते हैं जगत में फिर दो बार उसको जन्म मृत्यु नहीं होता है। आप कहते बुधा भगवान जा आप लोग समझ गए राजा तो अक्के बक्के चक्के हो गए, छोटा बच्चा होकर बढ़िया आंसर दिया। दूसरी प्रश्न है, दूसरी प्रश्न क्या था बोलो, दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान है तो क्या कर रहे हैं। जब बोले भगवान है तो क्या कर रहे हैं, वो बच्चा ने कहा महाराज कौन प्रश्न कर रहा है। बोले मैं। बोले उसका आंसर कौन देगा। बोले तू। बोले जो प्रश्न करता है वो स्टूडेंट होता है, जो आंसर देता है वो टीचर होता है, और टीचर कहाँ बैठता है ऊपर और स्टूडेंट कहाँ रहता है नीचे। बोले क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट मैं उत्तर दूंगा, मैं टीचर आप ऊपर बैठो मेरे को नीचे उतार दी, ऐसे नहीं। अगर इसका आंसर सुनना तो पहले मेरे ऊपर बैठा हो नीचे उतर। राजा फंस गया। अभी उसको सिंहासन में बैठा है। बोले देखो कृष्ण गीता में कहते हैं अगर आध्यात्मिक प्रश्न करना तो उसका तीन बताया। बोले पहला है बोले तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्ने न सेवया। मतलब है पहले गुरु जी को पास में जाकर प्रणाम करो हाथ जोड़ करके, उनकी सेवा करो फिर प्रश्न करो, ये नियम है कृष्ण कह रहे हैं। अगर आध्यात्मिक अगर कोई क्वेश्चन करोगे इसलिए अब हाथ जोड़ करके मेरे को क्वेश्चन करो। राजा तो फंस गया। राजा क्वेश्चन क्या बताओ भगवान क्या कर रहे हैं। बोले भगवान तो यही कर रहे हैं। कहते एक सेकंड में रक्त को राजा बना सकते हैं और राजा को रक्त बना सकते हैं। अभी मैं नीचे था आपका प्रजा था, एक मिनट में सेकंड में आपको क्या कर दिया ऊपर से नीचे उतार दिया। मैं आपका जो रंग था मेरे को क्या किया ठाकुर जी सिंहासन में बैठा दिया।
राजा तो सुन सुनकर अक्के बक्के छक्के हो गए, बोले वाह कितना सुंदर तुमने आंसर दिया। इसलिए स्टोरी याद रहे क्या आपका, किसको किसको याद रहे? देखो इसलिए मैंने सुनाया हम हिंदू है, कभी कभी हमारे धर्म के ऊपर दूसरे दूसरे व्यक्ति अंगुल उठाते हैं, और विश्व के समय हिंदू ही अंगुल उठाता है, अंगुल हिंदू ही उठाता है, लेकिन कोई मुसलमान को कभी नहीं देखा होगी अपना धर्म के ऊपर, कोई सुने हो कभी अंगुल उठाया? कोई क्रिश्चियन को आपने देखा अपना धर्म के ऊपर अंगुल उठाया, आपने कभी सुने हो देखे हो? हिंदू ये अपना धर्म को इतने सौभाग्य हम लोग जो कि हम लोग सनातन धर्म हिंदू घर में जन्म लिए, और देखो दूसरे दूसरे धर्म में देखो केवल आपको एक ही ग्रंथ, ज्यादा ग्रंथ कोई नहीं मिलेगा, कहीं कुरान मिलेगा कहीं बाइबल, और कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन देखो हमारे सनातन धर्म में कितने ग्रंथ है, वेद चाहे वेद है, अठारह पुराण है, 108 उपनिषद है, भगवद गीता जैसे ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म में, भगवद गीता जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ है, कितने उपनिषद है, कितने पुराण है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो कि हम सबसे सबश्री सनातन धर्म और हिंदू धर्म में हम लोग जन्म के हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी यहाँ पर कथा आती है माता देवती की, कथा आती है कहते माता देवती की शादी कर दो किसी को साथ में। जब मनु महाराज अपना बेटी को भेज रहे थे, देखो बेटी को समझा बुझा करके, जितने माताएं आप भी ध्यान देंगे, जब बेटी को उन्होंने ससुर घर में भेज रहे थे, उसकी ससुर घर में बोले देख बेटी तेरे ऊपर में ससुर घर और तुम्हारे पिताजी का घर का जो लाज तेरे ऊपर, अगर तुम ससुर घर में जा करके अगर खूब सेवा सभी को की, सबका आदर जतन दिया ना, क्या बोलेगी सास ससुर भाव पिता माता कितने अच्छे संस्कार तो करके बच्चे को भेजे। बोलते हैं ना अगर उल्टा पुलटा किया तो किसको पर पहले अंगुल उठाते हैं, बोले तेरे पिता माता ने यही सिखाया, तेरे सबसे पहले बोले ना तेरे पिता माता ने यही सिखाया, इसलिए उनको उन्होंने समझा बुझा करके भेजे, बेटा तेरे ऊपर में दोनों कुल का निर्भर तेरे ऊपर करना है, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे कभी पिताजी के ऊपर में कोई अंगुल उठाए, उनको अच्छे तरह से समझा बुझा करके भेजे। लेकिन पहले क्या संस्कार है, जब उन्होंने गए शादी हुई, शादी के बाद में कर्तव्य ऋषि फिर तपस्या में बैठ गए, भजन करने के लिए बैठ गए, अभी पति भोजन नहीं कर रहे, पति पत्नी कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने किया कि बड़े पति व्रता धर्म को साथ में अपना पति को उन्होंने सेवा की। जब सेवा की जब ऋषि की आंख खुली ना 10,000 साल के बाद में, और माता देवती पति सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी हो गई, केस में जटाजूट हो गया, एकदम बूढ़ी सी हो गई, कर्तव्य ऋषि ये भी भूल गए मैंने कभी शादी किया था, सामने देखा एक डोकरी बैठी हुई, बोले भैया तू है कौन, बोले आप क्या भूल गए कभी शादी किए हो, लो तू वही देवती, बोले मैं वही देवती हूँ, कभी आकृति देवती प्रसूति इतनी सुंदरी थी, जब ये तीनों आंगन में खेलती थी स्वर्ग के देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे, बोले इतने सुंदरी, लेकिन पति सेवा करते करते उसने एकदम बूढ़ी हो गई। देखो पति सेवा करने का कितने महत्व है, जो पति प्रथा धर्म को जाजन करते हुए पति सेवा करते कितने उसकी महत्व यहाँ पर दिखाई, और ये बूढ़ी हो गई, बूढ़ी क्यों हो गई, बोले पति भजन नहीं कर रहे, फिर हम कैसे भजन करें, वो शिक्षा देती है, देखो ऐसे नहीं भोजन बनाया पति और बच्चों को खिलाएंगे और फिर स्वयं खा लिए, मना करती है जब पति भजन नहीं कर रहे पत्नी को भजन नहीं करनी चाहिए, और उसकी जटाजुटू हो गई, बोले जटाजुटू क्यों हो गई, बोले कारण है पति श्रृंगार नहीं कर रहे, पत्नी श्रृंगार क्यों करती है, कारण क्या है, पत्नी क्यों श्रृंगार करती है, उसके श्रृंगार दूसरे पुरुष के लिए नहीं है, वो केवल अपना पति के लिए ही श्रृंगार पत्नी की। इसलिए हमारे भारत ये जो शब्द था माताएं सर पर कपड़ा देते हैं ना, अभी अब गांव गांव में जाओ ना देखोगे गुजर घर में आप देखोगे दूसरे अभी भी माताएं सर पर कपड़ा ढक करके देखती है, बोले कारण क्या, बोले कारण है स्त्री की सुंदरता केवल पति के। देखो मैं भी एक गांव का हूँ, मैंने कभी नहीं देखा मेरी माँ को कभी दिन में श्रृंगार करते हुए, कभी मैंने नहीं देखा, मैंने देखा शाम को श्रृंगार करती थी, बोले क्यों,
बोले पति तो काम में जाते ना, पति काम में जाते हैं, अब आते हैं कब शाम को। इसलिए मैंने देखा था हमारे जो माए बहन लोग वो शाम को श्रृंगार करती थी, तो शाम को जब आएंगे क्योंकि श्रृंगार इनके पति के लिए ही श्रृंगार, ये सब चीज है। इसलिए सर से कपड़ा ढकना, श्रृंगार करना, इसलिए उसने पति सेवा करते, इसको हमारी संस्कृति है। और यहाँ ये भी बताए जो लड़की जब तक शादी नहीं हो जाए ना, बताया भाई ज्यादा श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रावण उठा कर मिल जाएगा। रावण उठा कर मिल जाएगा थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जब शादी हो जाए ना फिर भर के लिए श्रृंगार करती हूँ पति के लिए। हर समय पति को, हाँ हर समय पति को ये लगे, पत्नी हर समय अच्छी लगे, इसलिए पत्नियां श्रृंगार करती हैं। अभी पति सेवा करते करते वृद्धा हो गए, देखो पति सेवा करने का कितने महत्व है, कर्तव्य से संतुष्ट हो गए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए। लेकिन पहले जब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भगवान से वर मांगे थे, भगवान बोले बताओ क्या चाहिए, बोले आपकी चरण में हमें अचला भक्ति हो, बोले तथास्तु, बोले और क्या चाहिए, बोले आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, लेकिन एक शर्त है, बोले बताओ क्या शर्त है, बोले अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर तुम्हें शादी करूंगा। भगवान खुश हो गए, बोले तेरे में बेटे बन करके मैं जरूर आऊंगा। बोले और क्या चाहिए, बोले तब तक मैं संसार में रहूंगा जब तक घर में बच्चे नहीं हो जाए, बच्चे होने का बाद ना फिर मैं अपना भजन करने के लिए चलूंगा। ठाकुर जी उनको आशीर्वाद दिए, अभी पति की उन्होंने सेवा की, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब उसने उठी, पहले जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर बन करके प्रकट हुई, अद्भुत रूप है, हजार दास राशियों के साथ में। और उन्होंने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान मतलब जिसमें कोई पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है, जो अपने आप जैसे चाहोगे वैसे ही वो उठते रहेगा। और उसमें विशेषता थी, उसमें जो बैठेगा ना कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं होंगे, जिसमें गर्मी नहीं, जिसमें ठंडी नहीं, जिसमें सुंदर महल है, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर फल फूल खिले हुए, अद्भुत था वो विमान। अभी वो विमान में बैठ कर उन्होंने आकाश में भ्रमण किया, आकाश में भ्रमण किया, और उनको नौ ठो बेटी हुई। कर्तव्य ऋषि बोले देवते अब तो खुश हो गए ना, तेरे को नौ बेटी हो गई, क्या चाहिए, बोले भगवान से वर क्या मांगे थे, आप बेटे बन करके आओगे ना, ये बेटियां तो शादी होकर के अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा, तो बेटा ही नहीं। तो उन्होंने अपना पति की सेवा की, तो फिर ठाकुर जी स्वयं श्री कर्तव्य भगवान स्वयं श्री कपिल बन करके आए, बोले श्री कपिल भगवान की। जब घर में बेटियां हो, पिता माता का क्या कर्तव्य है, पहले बेटियों को शादी करा दो, पहले बेटियों को शादी करा दो, ये नियम है। लेकिन आप लोग बेटियों को शादी कर किए हो, कौन कौन बेटियों को शादी किए हैं, अब देखना जब एक बेटियों का शादी करते हो कितना मुश्किल है। लेकिन जिनकी घर में नौ बेटियां, अभी कैसे शादी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कितना करते हो तुम करने, या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए अभी भक्ति करने वाले, एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटे को लेकर के बेटे को दर्शन करने के लिए आए, आए तो देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, इनके पास में नौ बेटी और इनके पास में नौ बेटे, बोले जोड़ी तो बहुत बढ़िया, भैया सुबह शीघ्र सुबह कार्य को जल्दी कर देनी चाहिए। उन्होंने एक साथ में नौ बेटियों को शादी दिला दी, घर खाली हो गया। अभी घर में तीन व्यक्ति रह गए, लेकिन श्री कर्तव्य ऋषि उन्होंने भजन करने के लिए, कर्तव्य ऋषि ने भजन करने के लिए चले गए। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, बोले भैया भजन करने के लिए किसको भजन करने के लिए जा रहे हो, बोले भगवान को, माता जी हरे कृष्ण, ये बच्चे को ना, ये बच्चे को चुप कराओ नहीं तो कथा भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अभी घर में, अभी यहाँ प्रश्न होता है, बोले तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, तुम्हारे घर में तो भगवान है, फिर तुम भक्ति करने के लिए किसको जा रहे हो, ध्यान से चीज को सुनो, तुम भक्ति करने के लिए किसको जा रहे हो, घर में तो भगवान रूप में बेटा ही तुम्हारा बेटा है, फिर तुम भक्ति करने के लिए क्यों जा रहे हो। यहाँ शिक्षा दिया है, बोले जब तक भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम साधक भजन नहीं करेंगे,
अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाए ना, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण दिया, जैसे रावण ने राम को दर्शन दिया कि नहीं बता? रावण ने राम को दर्शन किया कि नहीं? दर्शन किया है ना, लेकिन उसने किया क्या? माता सीता को उठा कर ले लिया। फिर मैंने भगवान राम के साथ में युद्ध किया कि नहीं? युद्ध किया है। मेघनाथ ने ठाकुर को दर्शन किया कि नहीं? किया है। लेकिन लक्ष्मण को सत्य से प्रहार किया। फिर लक्ष्मण राम को उन्होंने नाग खास बंधन में बांध दिया है, और भगवान को साथ में युद्ध किया मेघनाथ ने। भैया इसका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ठाकुर तो साक्षात सामने है। कहते जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, भगवान आने पर भी हमारे कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए जैसे शिशुपाल दत्त वक्र, शिशुपाल कृष्ण सामने खड़े हुए, उनको 101 गाली निकाल दी, तो उसका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ठाकुर तो सामने खड़े हैं। हृदय में भक्ति नहीं होगा ना, ठाकुर जी आ जाने पर भी हमारे कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए घर में ठाकुर जी है, लेकिन उसको छोड़ करके जा रहे हैं जंगल में भजन करने के लिए गए, चले गए। अभी घर में दो व्यक्ति रह गए, माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता है मेरा बेटा भगवान है। यहाँ शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान है वो ऐसे की चीज ज्ञान है, कहीं भी ज्ञान होना वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देती है। अपना बेटे को पास में प्रश्न करती है, बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, हम मन बड़ा चंचल है, भटकती है, कभी पीहर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में है, ज्यादा संसार का चिंता माताओं के ऊपर में। अरे बताओ ये चंचल मन को हम कंट्रोल कैसे करें और भगवत प्राप्ति कैसे हो? ठाकुर जी अपना माँ को गलत नहीं करते हुए बड़ा सुंदर उन्होंने ज्ञान बताया। बोले माँ कि जो मन है यही बंधन का कारण है, और यही जब ये मन को भगवत चिंतन में लगा दो ये मुक्ति की कारण बन जाती है, जब ये मन को विषय में लगा दो फिर ये बंधन का काम बनता है। इसलिए माँ ये मन को ठाकुर जी के भजन में लगा। बोले बेटा जितना बोलना सहज है ना, इतना सहज नहीं है। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो? ये तो मन बड़ा चंचल है, ये तो मिनट में विश्व ब्रह्मांड घूम करके आ जाता है, अरे ये चंचल मन को कंट्रोल कैसे करे? तो भगवान बोले माँ सबसे सरल एक उपाय है। बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा। बोले माँ तुम संतों का संग करो, हैं? संतों का संग में मेरी कथाओं का श्रवण करो, मेरी कथा सुनते 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 ये मन अपने आप भगवान में, ये मन अपने आप लग जाएगा। अगर तुम संतों का संग करोगे ना, बोले आ प वर्ग वर्गमनी। बोले प वर्ग मतलब क्या? बोले प फ ब भ और म। कहते अगर सत्संग करोगे तो तुमको ये जो पांच जो चीज है प वर्ग है ये सब के सब खत्म हो जाएगी। बोले प में क्या है? बोले प में परिश्रम। बोले भ में, बोले फेड़ मतलब इच्छा। बोले ब में, बोले व्यर्थता। बोले भ में, बोले भय। और म में मृत्यु। अगर तुम संतों का संग करोगे तो माँ ये जो पांच चीज है ना ये संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, और ठाकुर जी के चरण में अपने आप तुम्हारी मन लग जाएगी। इसलिए माँ ये सबसे सरल उपाय है। इतने में फिर प्रश्न करती है, बोले बेटा ये बताओ तुमने तो बोल दिया संतों की संग करनी चाहिए, लेकिन इस संतों का कुछ तो लक्षण तो होनी चाहिए ना? बोले हाँ। तो भगवान संतों का लक्षण बताते हैं। बोले तिथि सब कारुणिक श्रोहिद सर्वदेहिना अजात सत्र वसंता साधु भी साधु भूषण। बोले संतों का जो पहला लक्षण है, हाँ देखो देखो ये मत समझो जो केवल ये वस्त्र पहने ना वही साधु है। हम तो सोचते ना साधु किसको समझते हैं, कि जो गौर की जो भगवा कपड़ा जो पहन लिया वही साधु, ऐसा नहीं। कहते जो घर में हो नहीं तो जंगल में हो कहीं भी रहे, अगर घर में रहते हुए अगर प्रभु का भक्ति करते आप ही संत हो। अब भागवत में जितनी कथा सुनोगे ना ये सब गृहस्थ की कथा है। देखो प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे ना, ध्रुव महाराज गृहस्थ थे, अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, अभी
ये शब्द से वो गृहस्थी है, इसलिए कहते भैया वन में हो, वन में हो नहीं तो घर में हो, अगर कहीं भी आप प्रभु की भक्ति करते हो ना, आप साधु हो, वहीं पर साधु हो, हैं? वहीं पर ही साधु। त्यागी संत बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ज्यादा मिलते हैं गृहस्थ ही ज्यादा साधु। शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु की भक्ति करना चाहते हो, सबसे जो पहला गुण हमारे अंदर में आने चाहिए कदिये तितिक्षव। तितिक्षव मतलब होता है सहनशीलता। इसलिए कहते हैं ना, जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो नाश हो जाए। इसलिए भक्ति करने के लिए सबसे पहला गुण है सहन शक्ति हमारे अंदर में आनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठाकर बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जोर से बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कैसे सर शिक्षा करनी चाहिए। बोले कोई एक संत थे, नामदेव थे, कभी इनको कभी क्रोध नहीं आता, कभी नहीं क्रोध आता था। कुछ लोगों ने मिल करके सोचे, ये संतों को कभी क्रोध ही नहीं आता है, आज इनको जरूर हम क्रोध दिलाएंगे। बोले कैसे? बोले ये रोज गंगा स्नान के लिए आते हैं। जब गंगा स्नान करके आएंगे टोकरी में, हाँ, कुछ कचड़े लेकर उनका सर पर डाल देंगे। जब स्नान करके ले आए उनका सर पर कचरा डाल दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोले, गंगा फिर नहा कर गया। जब फिर आए दो बार डाल दिए, ऐसे उनको ऊपर में 100 बार उनको सर पर कचरा डाल दी, उनके चरण में गिर पड़े। बोले बाबा हम तो सोच रहे थे आपका आज क्रोध दिलाएंगे, लेकिन 100 बार कचरा डाले तो भी आप कुछ भी नहीं बोले, इसलिए आपके चरण में हमारे अपराध आ गए। देखो सब तक क्या कहता है। बोले तुम लोग जैसे मेरे कोई मित्र हो गए नहीं। बोले कैसे? बोले रोज में एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन आज तुम लोग की वजह से मैं कितने बार गंगा में नहाया, कितना बार गंगा में नहाया, मैंने 100 बार गंगा में हमने नहाया। देखो इसीलिए कहते पहला जो गुण है ना, तुम घर में रहो नहीं तो संत के रूप में रहो। अगर घर में रहकर चिड़चिड़ापन हो, बात बात में क्रोध आए, सहन शक्ति नहीं, वो घर में भी शांति सुख नहीं आई। इसलिए कहते हैं भक्ति करने के लिए सबसे पहला जो गुण है ये सहन शक्ति, तितिक्षव। दूसरा है कारुण्य का, बड़े दयालु होते हैं। अजात शत्रु कहते वसुधैव कुटुम्बकम्, सबको अपना एक परिवार मानते हैं, हम सबके सब एक ही हम संतान हैं। ऐसे ही उत्तर घर में 25 गुण बताए, लेकिन एक विशेष गुण है, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति पूर्वक ये मिला। देखो ये चीज को मान लिया, कहते उनका अंदर में एक विशेष गुण है। बोले विशेष गुण क्या है? बोले मेरे को एकांत रूप में जो भक्ति करते हैं, मई अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य और किसी को नहीं, बोले मेरी जो उपासना करते एक मन से। इसलिए देखो भक्ति ना हमारे, जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में क्या है दूसरा। जब उद्धव जी ब्रज में गए, अरे गोपियों को बोले ध्यान कर, गोपियां क्या कहती, उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध हुई। मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है, ये एक मन को किसी एक को ही दे सकते हो। इसलिए भगवान की भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए। जैसे हनुमत लाल जी कहते इनका इष्ट कौन है, हनुमान का इष्ट कौन है, राम है। तुलसीदास का इष्ट कौन है, राम है। सूरदास का इष्ट कौन है, कृष्ण है। इसलिए आप देखोगे सबका जो इष्ट एक है, सम्मान सबको दो, किसको अनादर मत करो ना, एक को इष्ट बनानी चाहिए। वो इष्ट कोई दूसरे देवा देवी नहीं, कृष्ण हो या राम हो, इनमें कोई एक जिसको जिससे जो मंत्र मिला हुआ उनको उसी को ही अपना इष्ट मना करके उनको भक्ति करनी चाहिए। सबका सम्मान दो, किसी को असम्मान मत करो। जैसे उदाहरण दिया, घर में जब एक बेटी शादी होकर के आती है, घर में ननद भी होती है, जेठ भी होते हैं, सास भी होती है, ससुर भी होती है, लेकिन वो बेटी क्या करती है, सबको सम्मान देती है।
लेकिन अपना हृदय में किसको रखती है? पति पर रखती है अपना हृदय में। हृदय में और किसको स्थान नहीं देती, हृदय में केवल अपना पति को स्थान देती। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए फिर क्या करती है वो? किसको लेकर अलग हो जाती है? किसको लेकर अलग हो जाती है? अपना पति को लेकर के ही वो अलग हो जाती है। इसलिए कहें जो भक्ति है वो एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। बहुनिष्ठ भक्ति होने से फिर ये मन चंचल रहता है, फिर आप भगवान की प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए बोले मई अनन्य भाव में भक्ति कुर्वन्ति जो विना, जो अनन्य भाव में मेरी जो एकांत की भक्ति करते हैं हे माता जी, तभी उसको भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है। माता को उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बता करके ठाकुर जी क्या करे, ठाकुर जी चले गए। कहाँ चले गए ठाकुर जी? ठाकुर जी चले गए गंगा सागर में। इसलिए साल में एक बार जो गंगा सागर, कोई गए हो गंगा सागर? कोई नहीं गए। इसलिए गंगा सागर में ठाकुर जी साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी का दर्शन होता है। वो पानी अपने आप नीचे उतर आती है, साल में तो दर्शन मिलता है। भगवान कपिल देव की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन, तेरे नैना बड़े नशीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना।
पिता माता की सेवा करना, गुरुजनों को आदर देना, हाँ सारे इंद्रियों को दमन करके रखा, सारे सद्गुण इसके अंदर में था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में हवन की सामग्री लेने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्रानी दोनों शराब पी रखे और विवस्त्र होकर के विहार कर रहे। उसने तो देखते ही रह गया, वो देखते ही रह गया। अभी उसका आंखों में ना एक फटो खींच गई। जब फटो खींच गई, जब उसने वापस आया, देखो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण संपन्न, ये गंदी चीज कितने बुरा असर प्रभाव डालता है। घर में पत्नी कम उम्र की, लेकिन ये असत संग का इतने प्रभाव हुए, उसने अपना पत्नी को त्याग दिया। त्याग देकर फिर जो शूद्रानी थी, वो शूद्रानी को साथ में फिर रहने लग गया, और उसका हाथ का अमेध कुमेध उसने भोजन की, और बच्चे 10 बच्चे हुए, और बच्चों को पालन करने के लिए जितने तरह का चोरी डाकू गुंडा बदमाश सब काम किया। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, इन आंखों में जो आग है ना, ये सारे आप देखो भजन करने के लिए आप कहीं बैठो, आप प्रभु को स्मरण करने के लिए बैठो, आप आंखों में जो जो चीज देखोगे ना, देखे होंगे देखना, आपके हृदय में वही चीज ही स्मरण आती है। ये आंख सारे इंद्रियों में सबसे खतरनाक ये आंख है, ये आंख है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते भैया, गंदी गंदी पिक्चर मत दिखा करो। अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है, कितना डाइवोर्स क्यों होता था, कारण यही है। जब इन आंखों से हम गंदी गंदी चीज देखते हैं, देख करके अजामिल जैसे व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म हुए, इतने सद्गुण संपन्न, अगर उसकी चित्तवृत्ति अगर बदल सकती है, बताओ भैया हम किस खेती की बोलियत है। इसलिए कहते भैया गंदी गंदी चीज को मत देखा करो। इसलिए पहले पहले जो सिनेमा आती थी, अब देखना रामायण महाभारत भागवत, अच्छी सुंदर सुंदर सब ये सब चीजें आती थी। अभी देखो क्या क्या चीजें आती हैं, आपको पता होगा, जितने गंदी चीज होगा ना उतना ही चालू होगा। गंदी चीज नहीं देखो तो चालू ही नहीं होगा, आपको देखने के लिए कोई चाहे ही नहीं। लोगों का वृत्ति इतनी गंदी वृत्ति हो गई लोगों का, इसलिए इसका चित्त खराब हो गई। देखो हमारे संप्रदाय में संत हुए, ये संत इनकी इनकी कथा सुनो। बोले ये संत पहले एक वेश्या के प्रति, लेकिन जो वेश्या थी वो भी संगीत में निपुण थी, हैं संगीत, उसका नाम था चिंतामणि और इनका था बिल्लो मंगल। ये रोज जाया करती थी वो वेश्या के पास में, बड़ी सुंदर भजन गाती थी बजाती थी, लेकिन वो इतने आसक्त रोज उसको पास नहीं जाना है। एक दिन क्या हुआ, उसको घर में पिताजी ने शरीर छोड़ दी तो अभी साथ सारे क्रियाकर्म करना पड़ेगा। करते करते हो गया लेट हो गया, तो जब तक उसको पास में वो नहीं जाएगा तब तक उसको चेंज नहीं। अभी हो गया रात और उसको नदी पार करना पड़ता था, नदी पार करके जाना पड़ता था। उसने अभी रात हो गया, उसने छत के ऊपर में चढ़ा, चढ़ करके और उसने दरवाजा बंद हो गया, उसने छलांग लगाई। जब छलांग लगाई वो चिंतामणि वेश्या ने उठा, बोले ये कौन है, बोले तू कैसे आधी रात में कैसे आया, बोले ये बताओ तुमने ये छत के ऊपर चढ़ा कैसे, बोले एक रस्सी लटक रहा था। बोले रस्सी, तो उन्हें दिया जलाकर देखा वो रस्सी नहीं, वो सर्प है, वो सांप का मुंह किसी गर्त में था और उसको पूंछ को पकड़ करके उसने पार हुआ। बोले तुमने नदी कैसे पार हो गया, बोले एक लकड़ी बहते हुए जा रहा था, वो देखा वो लकड़ी नहीं थी, वो था मरा हुआ सांप, मरा हुआ इंसान था, उसको ही उन्होंने लकड़ी समझ करके उसने पार हो गया। वो वेश्या ने कैसे उसको फुटकारा, बोले तुमने ये टाटी पैसा शरीर अंदर में क्या है, टाटी पैसा खून पी और कुछ नहीं थी, इसमें पेट को फाड़ कर रखो तो यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा तो भाग जाएगी। ऊपर में ये चमड़ा ढका हुआ है ना, इसलिए पली से किया हुआ है, इसलिए बढ़िया लग रही है। आप देखना ब्यूटी पार्लर में जाओ, बढ़िया से सज सज करके आओ, लेकिन बाहर आ जाओ अगर गर्मी हो, देखना 5 मिनट में सबसे सब खत्म, सारे रोम रोम से बदबू निकलेंगे, सारे रोम रोम से तुम्हारी बदबू निकलेंगे, अंदर में कुछ है ही नहीं। उसने उसको थुतकारा, बोले ये शरीर में तुमने जितने आसक्ति की है, अगर उसका 1% अगर ठाकुर के प्रति प्रेम करता ना, तेरा बड़ा ही पार हो जाता। उसको सच में धक्का उसको पहुंचा, उसने सब छोड़ करके उसने भजन करने के लिए चल पड़ा।
जब भजन के लिए गया जा रहा था इतने में अभी उसको प्यास लगी, किसी कुएं में पानी पीने के लिए दिया, देखा वहां पर कुछ माताएं पानी भर रही थी, वहां पर एक सेठानी थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अभी उसने गया पानी पीने के लिए, लेकिन आसक्ति हो करके उसको पीछे 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 फिर वो चलना लग गया, चलने लग गया पीछे पीछे। जब उसने घर में चली गई डटक मारे, जब ये पहुंचे अभी उसका पति आया, बोले बाबा क्या चाहिए, बोला अपना पत्नी को बुला। पत्नी बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बोले मैं हूं ना, चिंता मत करो आओ। जब उसको पत्नी को बुलाया, बोले तेरे को क्या चाहिए, आप लोगों को पता होगा माता आई पहले जो केस ना यहाँ पर गोल करके बनाती थी, उसमें पीन लगाती थी, कांटा लगाती थी, बोले उसका केस में जो कांटा दो कांटा मेरे को दे दो। उनको समझ में नहीं आया ये कांटा क्यों मांग रहा है, क्यों कांटा मांग रहा है। जब उन्होंने दो कांटा दिया ना, उनको सामने उसने तो ना आग भी खोल दी, बोले मैं रह गया बांस और बजेगी बांसुरी। ये जो आंख है ये सबसे इंद्रियों में सबसे बड़ा खतरनाक ये आंख है, क्योंकि आंखों में जो जो चीज को हम देखते हैं हमारे मन में वही वही चीज चलती है। इसलिए यहाँ पर श्री अजामली ने एक बार केवल गंदी चीज को उन्होंने देखा, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, भजन भजन सब छोड़ दिया, पत्नी त्याग दी और उसने वैश्या के साथ में रहा। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। सबसे छोटा बेटा देखा ना सबसे ज्यादा प्यारा होता है, हैं? अभी दिन भर बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, बेटा नारायण मेरे लिए बेटा पानी लेकर के आ जा, नारायण मेरे गोद में आ, नारायण मेरे लिए भोजन ले आ। अभी बात बात में नारायण 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 बोलता है। अभी ऐसे करते करते जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु की समय आया, हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए अंतिम समय में तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए। अभी उसको देख के इतना डर गया, भयंकर रूप था, उस गला में काल फास को लगाए जब खेच रहे थे। अभी उसने देखा दूर में उसका बेटा को खेलते हुए, बोले बेटा नारायण। जब उसने बुलाया नारायण, ये चार अक्षर, एक तरफ में तीन जपदूत, दूसरे तरफ में चार विष्णु दूत आ गए और आ करके बोले माँ भाई डरने का कोई बात नहीं, हम रक्षा करने के लिए आए। अभी उसको जो काल फास लगा करके ले जा रहे थे बंद हो गया। इतने में विष्णु दूत कहते भैया तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्म राजा का दूत, इतना धर्म कैसे करने जा रहे हो, किसी जी का धर्म है, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी कम उम्र की थी, पति सेवा करने वाले, लेकिन इसने अपना पत्नी को त्याग दी, ये सुदरानी को साथ में रहा, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, 10 बच्चे हुए, इनको लालन पालन करने के लिए चोरी गुंडागिरी डाका सब कुछ किया है, भैया सीधा नरक जाएगा। उसने पुण्य भी तो कुछ किया, बोले पुण्य क्या किया, बोले अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया, बोले वाह जिंदगी भर पाप करो और अंतिम समय में राम बोलो तो हो गया। तब श्री विष्णु दूत कहते बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता है ठाकुर का नाम में कितने सखी है। उन्होंने उदाहरण दिए जैसे कोई रुई की ढेर हो, रुई की ढेर भूसा का ढेर हो, उसमें एक आग की चिंगारी पड़ जाए ना जला करके राख कर देता है, और भगवान के नाम तुम्हें पता है भगवान के नाम में कितने शक्ति है। बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। इतने में फिर जमदूत आर्गुमेंट देते हैं, बोले आप बताओ भगवान को कब बुलाया, वो तो भगवान को बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, किसको बुलाया था, और बेटे को बुलाया, भगवान को थोड़ी बुलाया, बेटे को बुलाया। तब विष्णु दूत कहते हैं देखो जब बेटे का नाम उसने नारायण रखा ना उसी समय उसका सारे पाप नष्ट हो गया था, लेकिन जब बेटे को छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, बार बार नारायण इधर आ जा नारायण, है खाना ले आ नारायण, गोद में आ जा, जब उसने बार बार ये नारायण बोला, जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना, इसका हो गया ये माला जप हो गया, लेकिन जब अंतिम समय में जो उसने नारायण नाम लिया है ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए भगवान का नाम
चार तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नभवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम कितु। बोले चार तरह से कैसे कल्याण करता है। पहला नंबर सांकेत्यम, सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे बेटे का नाम कृष्ण रख दिया, बेटी का नाम राधा रख दिया। अब बेटे को बारंबार कृष्ण कृष्ण बोलते हो, नहीं तो राम राम बुलाते हो, बेटी को राधे राधे ललिता विशाखा बुलाते हो, लक्ष्मी बुलाते हो, इसको कहते हैं सांकेत्य। इसलिए आप लोग देख लेना, पहले जितने बड़े बूढ़ों का नाम आप पूछो ना, जितने बड़े बूढ़ों को पूछो नाम, सब देखना ठाकुर का नाम है। सारे ठाकुर जी का नाम पर बैठा होगा, कृष्ण गोविंद दामोदर है माधव राम लक्ष्मण, सारे बड़े बूढ़ों को पूछ लो। और जितने माताओं को पूछो नाम, लक्ष्मी गीता सीता, अभी बच्चों का नाम पूछो, टुन्नो गुल्लो टिक्की पिक्की रिक्की झिक्की है, सब विदेश में ना सब कुत्तों का नाम है, विदेश में कुत्तों का नाम। बोले भगवान का नाम रखे तो नजर नहीं लग जाएगा, हम तो नाम रखेंगे कुत्तों का नाम रखेंगे। नहीं भैया, कुत्तों का नाम को नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए ठाकुर जी का नाम रखनी चाहिए। इसलिए आप वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, आप देखना वहां पर ईश्वर मंदिर देखना, ईश्वर मंदिर देखना, वहां अंग्रेजी बच्चों को देखना, अंग्रेजी बच्चों को देखना, आप सबका नाम पूछना, सब भगवान का नाम देखो, कृष्ण गोविंद दामोदर, लड़की को पूछना नाम देखना, गीता सीता ललिता विशाखा, सब ठाकुर जी का नाम देखो। वे लोग हमारी संस्कृति का अपना रहे, और हम लोग ये अंग्रेजी संस्कृति का हम अपना रहे, और वो लोग हमारी संस्कृति का अपना रहे हैं। देखो सूरज किधर से उदय होता है, सूरज किधर से उदय होता है, पूर्व से, अस्त होता है कहाँ पर, पश्चिम से, नियम ना सूरज। इसलिए हमारा भारत को बताइए पूर्वी, और जो विदेश ये पश्चिम है, हैं? अगर ये पूर्व का संस्कृति को अगर पश्चिम लोग ग्रहण करते ही उनका जीवन धन्य है, अगर पश्चिम से पश्चिम संस्कृति को अगर पूर्वी लोग अगर ग्रहण करते, अभी हम लोग यही करते हैं। अंग्रेजी जैसे खान पान रहन सहन उनका जैसे सब कुछ स्टाइल करना चाहते नहीं, इसलिए वो लोग इसकी खराब समझ गए, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखना वृंदावन में जाओगे देखोगे लड़की को देखो कैसे वो साड़ी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी कट्ठी पहनते हैं, अब जाकर कभी देख लेना है। अंग्रेजी लड़की को देखोगे कैसे वो हमारी सारी संस्कृति को ये ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग रसिया का नाम सुने होंगे, रसिया में वहाँ लड़कियां सरकार से केस किया जाए तो किसी भी सब पर कहता है हम ये साड़ी पहन कर कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, वो लड़ाई कर रही है रसिया से, रसिया में हम साड़ी पहन कर कॉलेज जाएंगे, लेकिन हमारे भारत में लड़कियां हम जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाए, कितना फर्क है देखो, हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाए कॉलेज। इसलिए भैया जब तक हमारी संस्कृति होगा ना, संस्कृत रहेगा समझो, जैसे हम लोग साड़ी पहन करके आए हो, सर के ऊपर में कपड़े ढक करके रखते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। जब तक ये चीज रहेगा तब समझो घर में शांति सुख रहेगी, शांति आनंद रहेगी। जब अंग्रेजी संस्कृत को ग्रहण करोगे ना, इसलिए विदेश में आप देखना कोई पिता का नाम नहीं लेता है, वहां पर किसका नाम में परिचित है, माता की। बोले क्यों, बोले उसको पता नहीं पिता है कौन, क्या हम चाहते हैं ऐसे हो हमारी संस्कृति। लेकिन हमारे देश में बच्चे का क्या परिचय है, पिताजी से परिचय है, माताजी से परिचय है, पिताजी से परिचय है, उनको देश में पिताजी का नाम पूछ नहीं सकते। लेकिन हम क्या यही चाहते हैं, पता नहीं चलो इसका पिता ही कौन है, नहीं। इसलिए समझो हमारी भारतीय संस्कृति जब तक है, ये भारतीय संस्कृति गई ना, अंग्रेजी का खान पान लोग घर में लड़ाई जैसे हम कपड़ा बदलाते ना, वहां पर स्त्रियों को बदलाते कैसे, हम क्या चाहते हैं जो संस्कृति नहीं चाहते। इसलिए बच्चों का नाम अंग्रेजी का नाम नहीं रखना चाहिए, क्या रखनी चाहिए, भगवान के नाम पर रखो, ठाकुर जी के नाम पर रखो बच्चों का, जिससे मुंह से जितना बार कम से कम बोली निकले ठाकुर का नाम निकलो। जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा कहते ना मंगल भवन मंगल हरि, घर का दुर्कष्ट दूर हो जाएगा। बच्चा उतना बार ठाकुर का नाम सुनेगा कम से कम उसकी मन पवित्र होगा, उसका जब रहेगा भावना रहेगी मेरा नाम कृष्ण मेरा नाम राम, इसी से ही कल्याण हो जाएगा।
अगर वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब नारद बोले बोलो राम, बोलो राम। बोलो राम। लेकिन वो इतना पापी था उसको मुंह से राम ही नहीं निकला। बोले तू तो बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोले हाँ इतना तो बोल सकता, इसलिए राम राम राम। देखना अपने आप राम राम हो जाता है। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति दस रत्ना कर से केवल उल्टा नाम जप करते करते अगर ये वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम सीधा नाम लेंगे कि हमारे कल्याण नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे खेती में जैसे बीज होते हैं ना, देखना जैसे गेहूं चावल कैसे फेंक देते हैं खेतियों में फेंक देते हैं, लेकिन देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है सीधा, और पेड़ सीधा होगा। उसी तरह कद हम ठाकुर का नाम पर किसी तरह से मुंह से ठाकुर जी का नाम निकले हमारी कल्याण कल्याण ही होगा। इसलिए केवल उन्होंने अपना बेटा का नाम लेकर के उनको उद्धार हो गया। इसलिए हमारे भारत में सबके सब बच्चों का नाम ठाकुर जी का नाम रखते थे। इसलिए आप लोग क्या करना, अगर कोई उल्टा पुल्टा नाम रख दिया होगा ना, आप मेरे पास में ले आना, और जो अक्षर निकला होगा मेरे पास में लाना, वो अक्षर को पहले रख करके आपका बच्चों का नाम हम ठाकुर जी का नाम रख देंगे। फिर आप बच्चों को जितना बार बुलाओ आपका मुंह से किसका नाम निकले, ठाकुर जी का नाम निकले। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अनिरुद्ध है यहाँ पर, अनिरुद्ध कहाँ बोला, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 सर्वप्रथम
मेरे गुरु पाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में मेरा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। अभी गुरु जी ने आज्ञा दी है आपको थोड़ी सी हरिकथा सुनाने के लिए, जिससे कि हम सिंपल वर्ड्स में समझ पाए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या ये जो भक्ति या भगवान से रिलेटेड कोई भी बात, गीता भागवत, क्या ये सिर्फ एक मनोकल्पित चीज है क्या? जैसे विदेशी लोग हमारे जो शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको माइथोलॉजी जो वर्ड है वो मिथ, मिथ मतलब झूठ। हम लोग भी मिथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम बड़े मॉडर्न हो गए। क्या हो गए? बहुत मॉडर्न हो गए हम। बोलते अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथ राम टुक बर्थ इन अयोध्या, मतलब हम क्या कह रहे हैं सरल हिंदी में, हिंदुओं के झूठ के हिसाब से राम जी का जन्म कहाँ हुआ है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि हम क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, इसी कारण से हमें पता ही नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जब एंड होगा तो आप मुझे बताना जिस व्यक्ति की मैंने स्टोरी सुनाई है उसने अच्छा किया या गलत किया। एक लड़का था, 11th क्लास में जब आया ना, उसे पता लगा कि IIT में सिलेक्शन होने से अच्छा कॉलेज मिलता है और हम अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। उसने 11th क्लास से ही बहुत अच्छे अच्छे जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ाई करा। 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, 12th के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम दी, एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे नंबर लेकर के आया और उसका IIT मुंबई में सिलेक्शन हुआ। किसमें सिलेक्शन हुआ? IIT मुंबई में उसका सिलेक्शन हुआ। जब IIT मुंबई में उसका सिलेक्शन हुआ ना, मुंबई में सिलेक्शन होना आसान बात है, अभी रैंकिंग के हिसाब से थर्ड है, खड़गपुर कानपुर मुंबई थर्ड है, उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर तक उसको बड़े अच्छे से पढ़ाई थी, उसके बाद पता नहीं कहां से उसको रंग चढ़ गया, उसने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया। क्या खेलना चालू करा? फुटबॉल, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर गेम्स भी होते हैं और फुटबॉल खेलना उसने ऐसा चालू करा कि पढ़ाई लिखाई तो भाई सब भाग में, फुटबॉल में पूरा मन लगा दिया। इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप, इंटर स्टेट में जाने लगा, फुटबॉल दिन भर क्या खेलने लगा? फुटबॉल खेलने लगा। और जो इतने अच्छे मार्क्स वो लेकर के आता था 11th 12th में, वो मार्क्स क्या होते चले गए, कम होते चले गए और एंड में जाकर के बिल्कुल बाउंड्री CGPA पे उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आप मुझे बात बताओ, उस व्यक्ति ने, और जब उसने अपना कंप्लीट किया, अगर इतने लो CGPA पे अच्छा प्लेसमेंट तो होना नहीं है, क्या नहीं होना है? भले कितने भी अच्छे कॉलेज से कर लो, अगर आप में क्वालिटी नहीं, देन देयर इज नो सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ कि उस व्यक्ति ने सही किया या गलत किया? कितने लोग मानते हैं उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, भारी भूल? कितने लोग मानते हैं? उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन जब फाइनल जो उसकी पूरी मेहनत थी LKG टू IIT ग्रेजुएशन, वो सब क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना जीरो। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ मिस कर दिया लाइफ में, कुछ ना कुछ मिस करा ना, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं उसका एक आउटपुट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आउटपुट। इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या आया? जीरो आया। इसी प्रकार ही हमें शरीर मिला। क्या मिला हुआ है? शरीर मिला हुआ। हमें देखते हैं ये जो शरीर है ये साधना तो नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को अच्छा शरीर नहीं मिला हुआ है। देखते हो ना, कोई लंगड़ा है, कोई लंगड़ा, किसी में कोई ना बहुत सी कमी है। हमें पूरा शरीर मिला हुआ है। मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? वो सबसे इंटेलिजेंस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इंटेलिजेंस मिला हुआ है, कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का। लेकिन मान लो हम लोग करते 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 एंड में जा करके, एंड में, बिल्कुल एंड में पता लगे हमको कि जो तुमने किया वो किसी भी काम का नहीं, वो अगर जीरो है, तो आपको क्या लगेगा? उस बच्चे की लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में ज्यादा अंतर है? अंतर है कि नहीं है? ठीक है, कोई अंतर है कि नहीं है? अब दूसरी स्टोरी सुनो। ये स्टोरी मेरी है। किसकी स्टोरी है?
मेन एकदम रियल स्टोरी में सुना था। जब मैं छोटा था ना, हमारे वहाँ पे एट क्लास उस समय पे बोर्ड हुआ करता था, एट क्लास बोर्ड होता था। जब एट क्लास में मैं आया ना, घर वालों ने एकदम माहौल क्रिएट कर दिया, एट क्लास बोर्ड, बाहर से पेपर आएगा, अभी स्कूल से पेपर नहीं आएगा, जो तुम बस गए और पास हो गए, बाहर से पेपर आएगा, पढ़ लो, अगर इसमें अच्छे नंबर से पास हो गए ना, बस तुम्हारा काम हो गया, सबको टेंशन फ्री, खूब खेल, क्या करना, खूब। एट्थ बोर्ड हो गया, जैसे ही एट्थ बोर्ड हुआ ना, समर वेकेशन पढ़ लो, अब नाइन्थ क्लास बहुत हार्ड है, और जब टेंथ क्लास आई ना, बोले टेंथ कौन सी क्लास है, बोर्ड क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, टेंथ क्लास में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स मिलेगा, साइंस मिलेगा, वरना फिर आर्ट्स लेकर पढ़, है कि नहीं है बात, टेंथ क्लास में पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जो जिंदगी भर साथ चलेगी। बोले टेंथ क्लास में पढ़ लो, बस टेंथ क्लास जैसे तैसे पास कर लो अच्छे नंबरों से, फिर समझो ऑलमोस्ट हो गए, क्या हो गया, बस हो गए। टेंथ पास होते क्या आ जाती है, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ बोर्ड, बच्चों पढ़ लो, अब तो समझ लो बस अग्नि परीक्षा आ गई, ट्वेल्थ पास करोगे, एंट्रेंस एग्जाम पास करोगे, तब जाकर के क्या होगा, कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज मिल करके जब कॉलेज में पढ़ाई करोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तभी तुम्हारी लाइफ बनेगी। कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद क्या बोलते हैं, अच्छे से पढ़ो, कॉलेज में पढ़ने का मतलब यूँ नहीं गए और मजे कर लिए, एंड में क्या होना चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट भी हो गया, उसके बाद में बोले प्लेसमेंट जॉब सबकी लग, आगे बढ़ो, एक जगह रुक मत जाओ, पैकेज डबल होना चाहिए, ट्रिपल, फोर टाइम्स, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ रहा है। बोलते पढ़ाई दुनिया करती है, कॉलेज भी दुनिया जाती है, हाँ नौकरी भी सबकी लगती है, पैसा भी सब कमाते, शादी करो, क्या करो, शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद वन टू एट टेन ट्वेल्व कॉलेज, ऐसे करते 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 आदमी ये कर रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग सभी लोग किसी ना किसी स्टेज पर है, इसी साइकिल में, कितने लोग इस स्टेज में है, कहीं ना कहीं हाथ उठाओ प्लीज, सभी लोग कहीं ना कहीं होंगे, ऐसे करते करते अभी हम किसके कहने से कर रहे हैं, ये सब हमें कौन बोल रहा है करने के लिए, सराउंडिंग, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके कहने से हम ये सब कर रहे हैं ना, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हम, लेकिन यही जो लोग लगातार बोलते हैं ना, वो जब आदमी सबकी बात सुनते 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 जब बूढ़ा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बूढ़ा, तो उसकी बिल्कुल उसको अलग करते हैं, इसका जूस निकल गया, जैसे गन्ने का जूस देखा निकलते हुए, एक दो तीन चार, ठीक है, वैसे ही एट बोर्ड टेंथ बोर्ड ट्वेल्थ बोर्ड शादी, ऐसे करते करते जब वो भूसा बन जाता ना गन्ना, जो भूसा कचरे में और बूढ़ा आंगन में, आ जाता कि नहीं आ जाता, ये रियलिटी, क्या है ये रियलिटी, और जैसे तैसे बूढ़ा पार्टी है, अभी हमारा थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम है, क्या बूढ़े लोगों के पास में रहना, बहू से बोलोगे हमारी किटी पार्टी है, बेटे से बोलोगे बहुत काम है, नौकरी करना है, कमाना है, बूढ़ा बेचारा अकेला अकेला करते 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 जब वो मर जाता है ना, क्या हो गया बूढ़े का, दी एंड हो गया ना, अब उसको किस पे रख लिया, अर्थी पे सजा लिया, अब अर्थी पे जब उसको ले जाते हैं तब उसको एक बात बोलते हैं, ओ बूढ़े ध्यान से सुनो, जो आपको बोला था ना एट बोर्ड झूठ बोला, ट्वेल्थ बोर्ड भयानक झूठ बोला, हाँ कॉलेज पैसा शादी बच्चे सब कुछ हम तुमसे मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, पता है क्या सत्य है, और ये सब मंत्र कौन देता है, हम सब देते हैं, कौन देता है, किसको देते हैं, जो मर जाते हैं, स्वार्थी दुनिया, क्या है दुनिया, मरने के बाद असली बात बता रहे हैं, वेरी सेल्फिश व्हेन पर्सन इज लिविंग इज इन लिविंग स्टेट एट दैट टाइम वी आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, जब तक हम झूठ बोल रहे हैं, पढ़ लो पैसा कमा लो खूब बड़ा घर बनाओ आसमान में घर बनाओ, मैं जब से देखा मैं तो डर गया आसमान में घर बना लो, लेकिन जब वही व्यक्ति मर जाता है तो बड़े एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम तो सत्य है लेकिन तुम झूठे हो, क्या हो तुम सब,
सेल्फिश, लेकिन इसी सेल्फिश दुनिया कुछ लोग सेल्फिश नहीं है, वो बीच में आते हैं, बीच में आकर के नाम का नाम कर लो, क्या कर लो, ठाकुर जी का नाम कर लो, वही तुम्हारे साथ में जाने वाला। अब ये तो रहा कि चलो ठाकुर जी के नाम की हमने यात्रा हमने सुनी, क्योंकि सब लोग तो ये बोले आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, ये बात तो सबने सुना। अभी कोई बोले कि अरे तुम तो बस कहने वाली बात बोल रहे, सब तो यही बात बोलते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या, क्या तुम जो बोल रहे हो क्या ये और भी कोई लोग मानते हैं क्या, तो हाँ मानते हैं। अब सुनो इन सब बातों को कौन कौन मानता है, और आप लोग अगर नहीं मानते हो तो हो सकता है आप लोग भी मानने लग जाओ, ठीक है। एक बार इस उस समय पर जब नई नई बिग बैंग थ्योरी आई थी, क्या आई थी, बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी किस किस को पता है, वर्म होल्स, बिग बैंग थ्योरी सबको पता है। जब बिग बैंग थ्योरी आई थी उसमें बोला गया ब्लास्ट के अंदर सारे एकदम से निकले हैं और जैसे जैसे एक दुनिया बनती चली गई ठीक है। बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी अमेरिका के अंदर यूएसए में, उसमें टॉपिक ये था डस गॉड एग्जिस्ट, क्या टॉपिक था, डस गॉड एग्जिस्ट। इसके अंदर दुनिया के सारे बड़े साइंटिस्टों को इनविटेशन था, सारे बड़े साइंटिस्ट को। आप लोग ध्यान लगा करके मेरी बात को सुनो, इस बात को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको एक रहस्य की बात पता चलेगी, क्या बात पता चलेगी, एक मिस्ट्री रिवील होगी आपके सामने, ठीक है। तो जब मीटिंग बुलाई गई ना उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उसमें आइंस्टीन का भी नाम था, किसका नाम था, उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था, आइंस्टीन का। जब बुलाया गया ना आइंस्टीन को पता था कि टॉपिक क्या है, और जब मीटिंग खत्म होगी, जब डिस्कशन खत्म होगा तो एंड में एक्सपर्ट स्पीच होती है ना, उसमें आइंस्टीन का नाम था, एंड में एक्सपर्ट स्पीच बोलेगा। उसने क्या करा, एक दिन पहले गया, जैसे ये हॉल है ना इसके बाहर उसने अपने तीन चार स्टूडेंट्स को लाया था, उसने बोला एक अर्थ का मॉडल बनाओ, बहुत सुंदर एक अर्थ का, जैसे ग्लोब होता है ना घूमता गोल गोल, ऐसे अर्थ का एक मॉडल बनवाया, उसमें बड़ा सुंदर थर्मोकोल को यूज करके मॉडल बनाया, उसमें कलर किया, उसके अंदर झरने बनाए, नकली पेड़ लगाए, पत्ते लगाए, सूरज चांद सब बनाया, इतना सुंदर वो लग रहा था ना जैसे कि असली, जैसे कि असली। जब वो उसने कहां रखा था, बिल्कुल एंटर करते ना बिल्कुल डोर पे रखा था, सब बोल रहे वाह किसने कितना सुंदर बनाया, और सब जा जाके अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे, बैठते चले गए, हॉल पूरा भर गया, डिस्कशन चालू हुआ, सब लोग अपना अपना बोलते रहे कि नहीं ये सही है, कोई बोला ये थ्योरी है, कोई बोलता ये लॉ है, सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन एंड में किसकी बारी आई, आइंस्टीन आया। उसने आगे से सबसे पहले पूछा, सबसे पहले जैसे मेरे पास हाथ में माइक आया ऐसे करके पूछा, आप में से जितने भी लोग आए जब आप गेट से एंटर हुए कि आपने कुछ देखा गेट पर, सब बोले हाँ एक अर्थ का मॉडल रखा हुआ है, बड़ा सुंदर रखा हुआ है, जिसने भी बनाया इट्स अप्रिशिएबल, बहुत वो जो अर्थ का जो मॉडल रखा हुआ है ना वो अपने आप बना, क्या है अपने आप। लोग बोलते हैं पागल हो गया, साइंटिस्ट सब सनकी होते हैं, अपने आप कैसे बनते हैं, वो बोले जब मैं रात में आया ना इस हॉल में तो मैंने धमाका सुना और वो धमाके से ये निकल गया, ये अर्थ का मॉडल निकला, कैसा निकला, धमाके से। लोग बोले, लोग सब हंसने लगे, जैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा हंस रहे हो, वो बड़े जोर से हंसे, वहां पे सब इंटेलिजेंट लोग थे ना, सब जोर से हंसे, सबने बोला पागल हो गया साइंस से झूठ बोल रहा है। तब आइंस्टीन ने एक बात बताया, बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, सचमुच में ये धमाके से ही बना है। लोग बोलते, फिर एक खड़ा कर बोला, अरे ऐसे कोई धमाके से बनता है क्या, जब तक कोई ये मॉडल को बनाएगा नहीं तो कैसे बनेगा ये मॉडल, अलग ही नकली सा रखा हुआ। तब आइंस्टीन ने बोला रहे हमको जब ये मॉडल बनाने के लिए, ये मॉडल मैंने ही बनाया, ये मॉडल बनाने के लिए मुझे चार स्टूडेंट्स की जरूरत लगी, पूरी रात लगी और मैंने मेहनत करके इसको बनवाया, जब मैंने बनाया जब तो ये बनाना, ये तो नकली है, ये दुनिया देखो पहाड़ सूरज चांद नदियां झरने इतने सारे लोग सब चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई गलती नहीं, क्या सूरज के टाइमिंग में कभी गड़बड़ होती है, चांद के टाइमिंग में गड़बड़ होती है, हम तो देखते भी नहीं लेकिन वो टाइम सूख जाता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब ये मैंने बनाया तो ये सारी दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है, when there is a creation, creator must be there, creator must be there, उसने इस बात को बोला। साधारण लोगों ने नहीं, साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं बोल रहा, बहुत
थोड़ा साइंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इज मिथ, क्या है सब ऑल आर मिथ, सब झूठ है, झूठ नहीं है ये सच है। और दूसरा भागवत कथा, जब भागवत कथा में हम लोग आते हैं ना तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम एंजॉय करने जाते हैं, गेट टुगेदर, वी ऑल विल कम टुगेदर, खाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, थोड़ा सुनेंगे, जय हो महाराज की हो। सचमुच सब क्या सोचते हैं, ये भागवत भागवत क्या है, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करो, किसी को भी बुलाओ, बैठेंगे और सुन लो। लेकिन तुलसीदास जी एक बात बोलते हैं, बोला ये इतना साधारण नहीं है, जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पर भागवत रखी है ना उस व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जहाँ पर हुई पावत जय संघर्ष हुई, इस पर बहुत ज्यादा ठाकुर जी की कृपा होती है ना, उसको साधु संघ प्राप्त होता है, साधु संघ प्राप्त होता है। लेकिन साधु संघ तो प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हो रहा है ना, आप में से कितने लोग बताओ सबको साधु संघ प्राप्त हुआ, हाथ खड़ा करो कि हाँ हमें साधु संघ प्राप्त हुआ, साधु का दर्शन हुआ, कथा भी हम लोग सुन रहे हो ना। लेकिन लाभ जो उठाएगा फायदा उसको भी होगा। जैसे मान लो डॉक्टर आ गया, आपको कोई बीमारी नहीं और डॉक्टर आ गया, तुम डॉक्टर को देखो, डॉक्टर आ गया, वाह क्या स्टेथोस्कोप पहना है, वेरी नाइस, अच्छा कोट भी पहना है, ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस शूज, गुडलैंड। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर बीमारी नहीं बताई, डॉक्टर से इलाज नहीं लिया और डॉक्टर चला गया, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं। इसी प्रकार साधु संत तो आए हैं तो उनसे भैया पूछना चाहिए, हु एम आई, मैं तो हूं कौन, अगर मैं हूं तो मैं हूं कौन, कहां से आया और कहां को जाऊंगा, क्योंकि जाना तो एक दिन है, जाना कि नहीं जाना। अच्छा कौन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, हाथ उठा, माता जी बोल रही मैं नहीं जाऊंगा, माता जी की फोटो ले लो, सब लोग जाएंगे ना, देखो आप हंस रहे हो, इसका मतलब सब लोग जाएंगे, जाना तो एक दिन है लेकिन कहां जाना और कब जाना है किसी को पता है, कहां जाना है, क्यों जाना है, क्यों आए थे, ये सब जानने के लिए ही ये भागवत कथा है। इसलिए जब परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछे तो बोला आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये सारे के सारे प्रश्न कहां पर है, ये स्कूल में जो पढ़ाई जाती है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उस सब में ये सब बातें नहीं है, ये सब बातें इसके अंदर है। और रही आपकी, अब आप बोलो हमारा मैथमेटिक्स बहुत इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास क्या है? अगर अमेरिका बोले इंडिया को कि हमारे पास में इतना बड़ा मैथमेटिक्स है, तुम्हारे पास क्या है, आपको पता है ये जो सारा मैथमेटिक्स है ये वेदों से आया है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो आज इंटरनेट पर जाकर के डालना वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें केवल 16 फॉर्मूलाज वेदों के आएंगे, कितने, केवल 16 संस्कृत के अंदर केवल 16 फॉर्मूलाज के अंदर, इंटीग्रल्स कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस मैट्राइसेस एप्लीकेशन है। दुनिया की फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने वाली लेडी कौन है, किसी को नाम पता है, सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने वाली लेडी इंडिया से है, हाँ नाम बताओ, तेरा मालूम करती है, सबसे फास्ट कैलकुलेशन करती है, उससे पूछा ना कैसे, 16 लेटर्स नंबर्स ऐसे 16 नंबर्स दूसरी लाइन में और नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट लाइन में डिवीजन का आंसर कैलकुलेटर दे सकता है, आफ्टर 7 डिजिट्स कैलकुलेटर भी काम नहीं करता, लेकिन वो आंसर देती है। उससे पूछा आप कहां से देते हो, जब बहुत साल तक वो कॉम्पिटिशन जीती रही ना तो उससे पूछा कहां से देते हो, वो बोलती है मैं वैदिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करती हूं, किससे कैलकुलेशन करती हूं, वैदिक मैथमेटिक्स से, लेकिन ब्रिटिशर्स की चाल थी उसको हटा करके अपना वो लेकर के आए, क्यों हमारा मार्ग अभी तो दिखेगा, हम लोग वेदर मैथमेटिक्स को छोड़ करके किसको पढ़ते हैं, आप में से कितने लोग आईआईटी या किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाथ उठाओ, कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा, उनको भी सिखाया जाता है वैदिक मैथमेटिक्स, मैंने खुद किया है, उसमें सिखाया जाता है वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेटर यूज करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और टाइम क्या होता है, कम होता है, इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। मेटलर्जी भारत के अंदर, देखो संस्कृति कितनी महान है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब बहुत ऊपर उठते
भूल जाते हैं, क्या होते हैं नीचे का, भूल जाते हैं। मेटलर्जी सब्जेक्ट पता है सबको, मेटलर्जी केमिकल्स मिलाना, ये वो मेटलों को मिलाना। आपको पता है भारत के अंदर एक भी सोने की खदान नहीं है, भारत में एक भी सोने की खदान नहीं है, लेकिन भारत के अंदर सोना है कि नहीं? जब हम सुनते हैं इतना सोना था कि लोग लूटने आते थे, इतना सोना था, लूटने आते क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करने आया था? भारत में भजन करने तो आया नहीं था, लूटने आया था। वास्को डी गामा क्या करने आया था? लूटने आया था, सब लूटे रहे थे, लूटने आए थे, लूटने होना भी तो चाहिए। भारत के पास क्या था? सोना कहाँ से आया? ये लोग बोलते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सबने हिस्ट्री पढ़ी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें सबसे पहले वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया 1498 ए और डी लिखा हुआ। हम लोग बड़े प्यार से पढ़ के उसको आगे निकल जाते हैं, एग्जाम में भी लिखते हैं वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया 1948 AD। शर्म आनी चाहिए, क्यों क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म इसलिए आनी चाहिए, जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड था, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, भारत में एक भी सोने की खदान नहीं, इतना सोना कहां से आता था? अफ्रीका में एक देश था टिम्बकटू, जिसका की सबूत है, एक टिम्बकटू देश था जिसमें सोने की बड़ी खदानें थी, वहां से कपड़े और मसाले के सूरत में पोर्ट था, उधर से ट्रांसपोर्टेशन होता था वाटरवेज। इतनी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर में थी, इतना सब कुछ था। रही एरोप्लेन की बात, किसकी बात? एरोप्लेन की बात, एरोप्लेन की बात। देखो पहले आइडिया आता है या पहले इन्वेंशन आती है? आप कौन बोलता है पहले इन्वेंशन आ जाती बाद में आइडिया आता है? पहले क्या आता है? आइडिया। हमारे शास्त्र खोल करके देखो, अभी गुरु जी बता रहे थे कर्दम मुनि का विमान का नाम क्या बताया था? कौन सा विमान? कामक विमान। क्या शब्द था? विमान। विमान मतलब जो उड़ता है। रावण सीता को पुष्कर विमान में उठा करके ले गया, किसमें ले गया? किसमें? विमान, विमान में उठा करके ले गया। ये आइडिया है कि नहीं है? ये आइडिया कहां से आया? भारत से आया। ये तो हम आइडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा विमान शास्त्र, एक पूरा का पूरा विमान शास्त्र। ये जो दुष्ट लोग आए थे ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत की सोना ही नहीं लूटा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत का लूटा था, उन्होंने भारत की संस्कृति को भी लूटा था। उसने भारत के संस्कृत पढ़ के सारे ग्रंथों में फेरबदल, उसने संस्कृत पढ़ के, क्योंकि उनको पता था अगर किसी पेड़ को सुखाना हो ना, ऊपर से काटेंगे तो दोबारा उग जाएगा, लेकिन उसकी अगर जड़ को हम काटेंगे तो वो पेड़ दोबारा उगेगा नहीं। हम जो ये बात नहीं, एक साइंटिफिकली हम आपको एक कुछ मैसेज देने के लिए हैं कि दुनिया क्या है। क्या कोई ऐसी दुनिया भी है जो यहाँ से अलग है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। हाँ, देयर इज अ वर्ल्ड, देयर इज नो डेथ, नो लाइफ। वहां जाने के बाद वी विल नॉट हैव टू कम बैक हियर। No summer, no winter, always spring. ये सारे दुखों से हम निकल सकते हैं। इस मैसेज को देने के लिए भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। To give the hint, किसको? हम लोगों को। इसलिए गीता में पढ़ोगे ना तो भगवान ने हिंट दिया है, एक दुनिया है, देर इज अ वर्ल्ड। लोग एलियन की दुनिया ढूंढ रहे ना, मार्स पे जा रहे, जुपिटर पे जा रहे, जा रहे क्यों जा रहे? क्योंकि सच में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो जा रहे। भगवान ने गीता में बोला, यस तद न भाषयते सूर्यो शशाक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। अर्जुन, मेरे धाम में लाइट के लिए सूर्य, चांद और पावक, अग्नि, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप उसमें लाइट है। दूसरा, यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद किसी को लौट करके आना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता। चले, this movement is called back to Godhead, back to Godhead। क्या बोलते हैं इस movement को? back to भगवान के धाम में वापस जाना। इसलिए जब स्वामी महाराज जो थे ना, उनसे सब लोग बोलते थे, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे सब लोग करते थे, वो बोलते थे कि तुम ये गीता भागवत इनके ऊपर पढ़ो तो ऐसे ऐसे मनोकल्पित मत मानो, क्योंकि जब स्वामी महाराज विदेश गए थे ना, उनसे उन लोगों ने पूछा कि तुम विदेश क्यों जा रहे हो, ये भारत में तो इतने लोग तो है भारत में, उनको जा जाके सुनाओ ना कथा ऐसे करके।
वो बोले लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे कि नहीं भाग रहे, आप में से कितने लोग मानते हैं हम नहीं भाग रहे, हम लोग भाग रहे, वी वॉन्ट रोड्स इन इंडिया लाइक अमेरिका, फैसिलिटीज लाइक अमेरिका इन इंडिया, चाहते कि नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए अमेरिका जैसा, जर्मनी जैसा, बस एक बार वहां पैदा हो गए तो संभालो धन हो, ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए, हम चाहते हैं ऐसी फैसिलिटी, उसके पीछे इसलिए स्वामी महाराज कहाँ चले गए, अमेरिका, वहां जाकर के आप कभी पढ़ोगे ना स्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडर, उनका साइंटिस्टों के साथ में जो जो भी उनका इंटरेक्शन हुआ, जो भी बातें हुई, आप उसको पढ़ोगे ना, आप बोलोगे स्वामी महाराज जी से बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में कुछ हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं, पांच पांच साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछते थे, विद इन अ सेकंड वो ऐसा आंसर देते थे कि भक्के भक्के रह जाते, भगवान इनको कैसे पता, कैसे पता बताओ, कैसे पता बताओ, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक रूप में भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो मिस्ट्री रिवील्स इन हिज हार्ट, मिस्ट्री कहाँ रिवील होती है, उसके हार्ट में सारी दुनिया का रहस्य रिवील होता है। इसलिए जो गुरु जी आए ना, ये तो साधारण रूप में आपको भागवत सुना रहे, आप साधारण मत समझे, आप ये मत समझो कि बाबा एक कथा सुना, नहीं, डोंट टेक इट सो लाइटली, टेक इट सीरियसली, अदरवाइज लाइफ विल टेक यू सो लाइटली। ये सिंसियर होने का टाइम है, इट्स टाइम टू बिकम सिंसियर, सिंसियरली जो गुरुदेव बोल रहे उसको सुनना, सुनने से अच्छा जो बोल रहे उसको अपने जीवन में उतारना, उतार करके करना और करके फॉलो करना, तो करने से क्या होगा, धीरे 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 हमें भी बातें समझ में आएंगी, वरना क्या होगा कि खेल तो चल ही रहा है जो मैंने बताया, ट्वेल्थ, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पैसा, बच्चे, शादी चल रहा है ना, इस खेल के बीच में, इस खेल के बीच में क्या करना चाहिए, हमें इस चीज को ऐड कर देना चाहिए। ये भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के साधु बाबा बन गए, नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो कुछ जॉब करता हूँ, मैं अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा अच्छा अच्छा सब कुछ, लेकिन क्या करना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, भगवान गीता में बताते हैं कैसे जोड़ना है। जैसे एक व्यक्ति सुबह उठा, नहाया, धोया, कपड़े पहना, ब्रश किया, नहीं किया, इधर उधर खाया और गए ऑफिस में काम किया, आए इधर उधर फोन पे बातें करी, चीट करी, लोगों से मिला, हंसी मजाक किया, रात में सो गया, इसने क्या कर रखा, भगवान को छोड़ रखा, क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। दूसरा व्यक्ति सुबह उठ करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, ठाकुर जी सचमुच आप ही रक्षा कर देना, वरना मैं नींद में हूँ, मेरी माँ मेरी रक्षा नहीं कर सकती, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी रक्षा किसने करी, आपने मेरी रक्षा करी, आपके कारण ही मैं सूरज को देख पाया, वरना ये सूरज दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पाए, आप मानते हो उस बात को, लाखों ऐसे लोग हैं जो इस सनराइज को नहीं देख पाए, मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर मर्सी, ओ लॉर्ड आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू। उसके बाद जब प्रसाद पाओ ना, जब खाना खाओ उसमें बोलो कितने लोग दुनिया में से जिनको ये खाना नहीं मिला, बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई एम गेटिंग दिस फूड, ओ लॉर्ड वी ऑफर दिस फूड टू यू फर्स्ट, प्लीज एक्सेप्ट, उसके बाद उसको खाओ, तो ये जो खाना नहीं हो जाएगा ये ठाकुर जी का प्रसाद होगा, क्या होगा, ठाकुर जी का प्रसाद, जिसको भगवान गीता में बोलते हैं प्रसाद सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बोले ये प्रसाद पाने से सारे दुखों का जीवन में नाश होगा और ये बुद्धि शुद्ध होगी, इसलिए क्या खाना चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद। अब जब घर में लोग झाड़ू लगाएंगे क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, अभी एक माता जी उठी फटाफट झाड़ू लगा के चली गई, तो समझो उसने अभी भगवान को छोड़ रखा, क्या कर रखा है, लेकिन अपने घर में एक छोटा मंदिर बनाओ, ठाकुर जी को वहां बिठाओ, अब झाड़ू लगाओ, मन में क्या भावना रखो कि मैं ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, कहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, ठाकुर जी के, बस झाड़ू लगाना भी भक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भक्ति, क्योंकि ये मन की बात है, किसकी बात है, ना शरीर की बात है, ना पैसे की बात है, ना सौंदर्य की बात है, ये तो मन की बात है, किसकी बात है, मन की। प्रसाद खाओ, हम तो ठाकुर जी का प्रसाद खा रहे हैं, हम कोई फालतू चीज नहीं खा रहे, क्या खा रहे ठाकुर जी का, बच्चे,
अरे ये मेरे बच्चे नहीं, ये ठाकुर जी के बच्चे। दुनिया में तो कितने लोग हैं जिनको बच्चे नहीं मिले, हमको मिले, किसने दिए? ठाकुर जी ने दिए, ठाकुर जी के बच्चे। तुमको ठाकुर जी के बच्चे पालन पोषण करो, उनको गीता भागवत रामायण सुनाओ, और जो सुनाते 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 एक दिन ऐसा आएगा, अगर सब लोग हमारे जीवन में हम लोग ही करेंगे ना, रोज तुलसी की पूजा करो, घर में तुलसी लगाओ। अगर मैं आपको साइंटिफिकली अगर तुलसी के बारे में बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। एक तुलसी ऐसा पौधा, उसमें इतनी विशेषता, भारतीय लोग कितने साइंटिस्ट है प्रभु जी। मैं अपने खुद के जीवन से आपको बताता हूँ, जब मैंने ये सब चीजें सुनी ना साइंटिफिकली, जब मैंने ऑब्जर्व करके देखा, जब मुझे पता लगा कि भारत के लोग कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, बड़ा बड़ा साइंस केवल एक झटके में बताते थे, केवल एक झटके में बताते थे। गंगा जल की महिमा भारत वालों को कब से पता है? पता नहीं कब से पता है, गंगा की महिमा सबको पता है, लेकिन अभी बोलते हैं उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है डर्ट, उसमें कुछ गंदगी आने से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, गंदगी उठाता है, वापस से बंद हो जाता है। विशेष और किसी पानी में ये वो चीज नहीं, केवल और केवल किसमें? तो बताओ भारत के लोग साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? केवल तुलसी, नीम और पीपल, इनमें भारत में पूजा होती है ना, इन पेड़ों की, इन वृक्षों की पूजा होती है ना, किसकी पूजा होती है? तुलसी, नीम और पीपल होती है ना, सब लोगों को पता है। आपको पता है ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सारे पेड़ रात में CO2 देते हैं। लोग बोलते हैं ना पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नॉट इन नाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे गिव ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ नॉट फोटोसिंथेसिस। केवल तुलसी, नीम और पीपल वो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। और तुलसी के जो पेड़ होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए तुलसी को कहाँ लगाते हैं? सारी चीज कहां से आएगी? क्या एक साइंटिस्ट ये काम कर सकता है ना? भारत में लोग साइंटिस्ट थे कि नहीं थे, आप मुझे बताओ, थे ना साइंटिस्ट? अब गाय का गोबर, गाय का गोबर आप देखो सब हंसे, लेकिन गाय का गोबर इतनी शुद्ध वस्तु है, अगर कोई गाय का गोबर जला करके उस पर गाय का ही अगर घी डाले, उससे ऑक्सीजन जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? ऑक्सीजन। 2015 के आप मान रहे हो कि अमेज़न पे 900 रुपए का एक बिक रहा है उपला, मेरे को देखो, आप देखो 102 रुपए से के बीच की रेंज है, मेरे को लगता है साइज को लेकर के होगा, लेकिन बिक रहा है। कुल मिला करके आपको 10-15 तो है, लेकिन अगर हम सचमुच में अगर हम इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, गीता में क्या लिखा, गीता 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 क्या तूफान मचा हुआ है, हां क्या चल, हम लोग भी बोलते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनेगा तो मोदी को वोट नहीं देंगे, क्या देंगे? राम मंदिर बनेगा नहीं तो मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी ने बना के वाह राम मंदिर, क्या राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? क्या राम मंदिर बनने से राम का दशरथ के प्रति जो प्रेम था, दशरथ और राम का जो संबंध था, वो बाप बेटे का सीता और राम का जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, क्या वो आ सकती है? क्या बच्चे लोग पूजे से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये कब हो सकता है? जब हम हमारे बच्चे को रामायण सिखाएंगे, जब उनको रामायण की शिक्षा देंगे कि बच्चों बच्चे हो तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बनो, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, राम और सीता जैसा होना चाहिए, सेवक को हनुमान जैसा होना चाहिए, कैसे आएगा? जब नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जह मेरा हो, भरत जैसा सीता सीनारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, अपने आप राम राजा। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, जिनसे मैंने ये सब सीखा, मेरे गुरुदेव आप सबके बीच में आए हैं, बड़े दयालु संत हैं, आप लोग हाथ जोड़ करके जो वो सिखाना चाहते हैं ना, उनसे जरूर ठाकुर जी का नाम और दीक्षा लेकर के जाना, सचमुच आपके जीवन में चमत्कार होगा। बोल करके अपनी वाणी को विराम दीजिए।
चाहते हो आपका बच्चे ऐसे हो? कौन कौन चाहते हैं आपका बच्चे, आपका पति, आपका परिवार ऐसे सब चाहते हो ना? ये तभी होएंगे जब भक्तों के साथ में जुड़ोगे, भगवान भक्तों के साथ में जुड़ोगे, फिर आपका घर नहीं, आपका घर भगवान की धाम बन जाएगी, ठाकुर जी की गोलोक वृंदावन बन जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करना, भगवान की भक्ति करो, परिवार को ठाकुर जी का भजन कराओ, बच्चों को ये सिखाओ सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुओ। अभी बता रहे थे ना क्या कर, रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। हम जहाँ जाते हैं ना सारा दुनिया एक ही बात कहता है, बच्चे बात नहीं सुनते, क्या बोलते हैं नहीं सुनते हैं। जहाँ जाते हैं ना सब एक ही रट लगाते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनाते हैं। इसलिए बच्चों को सबसे पहले क्या करवाओ, उनको ये दो प्यार जरूर सिखाना। कौन सा प्यार? प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु सबसे पहले ये दो प्यार उनको सिखाओ है, और उनको रामायण ग्रंथ पढ़ाओ। रामायण बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप इंडोनेशिया नाम सुने होंगे, ये मुस्लिम कंट्री है, वो लोग हमारे भारत से मुरारी बापू का नाम सुने होंगे, भारत से इनको बुला करके ले जाते हैं। बोले क्यों? कहते यहाँ पर हमें रामायण पढ़ाओ और रामायण सिखाओ। बोले भैया क्यों? बोले रामायण सिखाने से हमारे घर की बेटी और जो बहू है ना वो सती बन करके रहेगी। बेटी बहू क्या करेंगे? सती बन करके रहेगी, क्योंकि अब रामायण सुनेंगे। एक रात के लिए धोबी कहीं रुक गई, उसको पति ने स्नान नहीं दिया, वो केवल शिक्षा के लिए। शिक्षा देते भैया रात को स्त्रियों के लिए अकेले कहीं नहीं जानी चाहिए, यही शिक्षा देते, अकेले कहीं नहीं जानी चाहिए है, अकेले कहीं नहीं जानी चाहिए, ये सब चीज शिक्षा देती है रामायण। और पिता माता की कैसे आदेश पालना करनी चाहिए है, इसलिए पिताजी के आदेश पालना करने के लिए राम 14 साल के लिए प्रभु वनवास गए। और सौतली माँ की आदेश पालन कर, अपना माँ नहीं, अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए मेरा आदेश पालन करने के लिए 14 दिन के लिए कहीं जाओ, वो अपना मन मर्जी तो घूमने चले जाएगा, लेकिन पिताजी की आदेश पालन करने के लिए एक दिन भी नहीं जाएगा, वो एक दिन भी नहीं जाएगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे कारने किया, बोले कारने बच्चों को तो स्मार्टफोन पकड़ा दें, ले स्मार्टफोन ले लो, लेकिन बोलेगी नहीं भैया एक बार राम का रामायण पढ़ गीता पढ़ लीजिए, नहीं सब नहीं बोलेगी। अब लोग मोदी का नाम सुने ना, अभी ये मोदी जिस देश में जाते जाता है हर भाषा में ये गीता ट्रांसलेशन हो, उनको जो प्राइम मिनिस्टर को वो गीता भगवत गीता पकड़वाता है। अभी मोदी जी की जो माला है ना, ये 2 माला रोज करता है मोदी, रोज करता है। आप लोगों ने जो हीरो क्या नाम सुना मथुरा में जो हेमा मालिनी, नाम सुना होंगे, अब ये माला जब करती है हेमा मालिनी, ये माला जब करती है इतने शांति भगवान के नाम में, इतने शांति और सुख में। इसलिए आप लोग पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ ना, देखना घर तुम्हारी क्या बन जाएगा, अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता था, इसलिए अयोध्या है, उसका नाम अवध। अवध मतलब जहाँ पर कोई मरता नहीं, कोई किसका वध नहीं होता है। अगर घर में रामायण ग्रंथ पढ़ोगे तो देखना घर में इतने शांति, इतने सुख, बच्चे इतने संस्कारी बनेंगे, सवेरे उठ करके पिता माता की वो चरण छुएंगे, पिता माता की वो चरण छुएंगे, ठीक है ना। इसलिए गीता रामायण पढ़ो, भक्ति करो, जीवन में इसमें ही शांति और इसमें ही सुख, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी पावन भगवान तैयार है, तैयारी है पावन भगवान, तो तैयार है पावन भगवान, तैयारी है, हाँ उनको लेकर के यहीं आ जाओ, 2 मिनट में बुलाता हूँ। देखो भागवत में बोले कभी कभी ये देवता दैत्य में लड़ाई होती थी, लड़ाई होने पर जब देवता लोग मरते पूरा मर जाते थे, लेकिन जब दैत्य मरते थे इनका गुरु शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य एक मंत्र जानते थे जिसका नाम था सजीवनी मंत्र, मतलब मरे हुए व्यक्ति को भी वो जिंदा कर सकते हैं। एक दिन देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले प्रभु हम अमर करो, तुम देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत पियोगे तो अमर बन जाओगे। लेकिन अभी समुद्र मंथन शुरू हुई, समुद्र मंथन शुरू हुई तो सबसे पहले निकली हलाहल बीज। जब बीज निकला भोले बाबा को प्रार्थना किया, शंकर जी टर्न के टर्न उन्होंने बीज पी करके अपना कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नया नाम पड़ गया। कौन सा नाम पड़ गया? नीलकंठ नाम पड़ गया।
बोले नीलकंठ महादेव की जय। देखो शंकर जी एक शिक्षा देते हैं, बोले क्या शिक्षा देते हैं, बोले कोई गंदी बात हो ना उसको मुंह में भी मत रखा करो और वो अपना हृदय में मत रखा करो। कहाँ पर रखो? कंठ में रखो। अगर कोई गंदी बात अगर मुंह में रखोगे, मैंने पहले बताया ना ये महाभारत क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी ये द्रौपदी ने केवल इतनी सी बात बोल दी, अर्था का बेटा अर्था बना, केवल इतनी सी बात और कोई बात नहीं। इसी के लिए दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है तो मजा चखा होगा, इसलिए भरी सभा में उसको विवश करने की कोशिश की। है तो भीम अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, फिर महाभारत हो गया। है रामायण क्यों हुई? सीता जी ने केवल जीवा चला दी, क्या बोल दी लक्ष्मण को इतनी सी बात बता दी, अभी मैं समझ रही हूँ क्यों मेरे साथ में आया था, राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे, लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा को काटे, बोले माता जी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वासुदेव ने थोड़ी सी जीवा चला दी, अब दूसरा बात उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया तो क्या हुआ, रावण उठा करके ले गया। इसलिए यहाँ शिक्षा देती है विशेषकर माताओं को, भैया के घर में जो गाय में लड़ाई होती है ना, घर घर में कभी कभी हम जीवा को भी चला देते हैं, कुछ नहीं हुआ, बात कुछ नहीं, केवल जीवा स्लीप हो गया। मेरे को उसने ऐसे बोला ना, बस रात को पति को कान में मंत्र देते हैं, बस मंत्र देने पर घर में भाई भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए शिक्षा देते हैं भैया ये जीवा को चलाना नहीं कभी है। और दूसरी बात शिक्षा देते हैं जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा मतलब होता है मर्यादा, कभी भी माताओं को अपना मर्यादा उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, उल्लंघन करोगे तो कौन उठा कर ले जाएगा, रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोले रावण तो तृतीया युग में आया था, बोले एक रावण तृतीया युग में, लेकिन कली युग में ना घर घर रावण हो गया है। पहले गांव में ना अपना एक गुंडा होता था, घर घर में गुंडे हो गए, घर घर में गुंडे हो गए। इसलिए कहते भैया साधु सावधान। इसलिए अभी फिर समुद्र मंथन हुई, उससे तिब्बत पर रखने निकले, फिर जब माँ लक्ष्मी जब निकली, भैया लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सारा दुनिया को लक्ष्मी चाहिए। अब सब लोग बोले लक्ष्मी हमें चाहिए, लक्ष्मी बोले ऐसे नहीं होगा, सबके सब लाइन में अगर खड़े हो जाओ, मैं अपना मन मर्जी में पति चुनूंगी। लक्ष्मी माला लेकर के हर देवता को पास में गई, लेकिन उन्होंने देखा सबका अंदर में कुछ ना कुछ दोष है। लेकिन जब प्रभु नारायण को पास में आई, देखा अगर निर्दोष परिपूर्ण रूप में अगर कोई है केवल भगवान नारायण, फिर माँ लक्ष्मी नारायण की गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। जब अमृत निकला अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गया, अहम पूर्वक पहले हमें चाहिए। लड़ाई जब शुरू हो गई, अभी दैत्य लोग अमृत छीन लिया, ठाकुर ने देखा अगर ये दैत्य अमृत पी लेंगे अमर बन जाए, अगर ये अमर बन जाएंगे तो सृष्टि को ध्वंस कर देंगे, इसलिए भगवान ने किया तीन अवतार लिया। इतने सुंदर ठाकुर जी थे, अब ये मोहिनी को देख करके जो लड़ाई कर रहे थे ना, लड़ाई सब बंद हो गई, सारी लड़ाई के साथ हो गई। इतने में मोहिनी दैत्य लोग ने बोले मोहिनी अमृत पिए के लिए तेरी हाथ में पिएंगे, बोले देखो मैं अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए, बोले नहीं पिएगा तो तुम्हारी हाथ में तो पिएगी नहीं, बोले देखो जब मैं अमृत बांटूंगी फिर कुछ बोलना नहीं, बोले कुछ भी नहीं बोले, बोले एक काम कर दोनों दो लाइन में बैठ जाओ, पहले ये देवता को पिला देते हो ऊपर से पानी जो गाड़ी रह जाएगी ना, हम दोनों बैठी करके प्रेम से पिएगी। बोले मोहिनी भले ही ये अमृत नहीं मिले तो मिल गई ना, हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी जब अमृत देवता को दे रहे थे, वो तेरे से चित्तवन से नजर से दैत्यों को प्रति देख रहे थे और थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे, दैत्यों का ध्यान नहीं, उनको ध्यान तो ये मोहिनी को प्रति ध्यान किया। जब उन्होंने अमृत पिला रहे थे चंद्र सूर्य को पिलाते समय एक स्वर भान नाम का दैत्य बीच में बैठ कर उसने अमृत को उन्होंने पान कर दिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य है, धोखे से अमृत पी ली। भगवान चक्र को बुलाए और उन्होंने गला काट दिए, एक हो गया राहु केतु। इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य की जो उनको जो आक्रमण करते ग्रास करते हैं।
वहां से गिरना, कहते वहां पर प्याज का पौधा, जहां पर उसकी हड्डी गिरी वहां पर लहसुन चीज को तामस की वस्तु मानते हैं। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? सब माताएं रखती हैं। आप बताओ नौ दिन तक ये प्याज लहसुन को खाते हो? नहीं खाते है ना? मुझे प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि इसका जो सृष्टि है ना, ये तामस की वस्तु, ये मांस और हड्डी से सृष्टि हुई। इसलिए देखना कहीं भी ठाकुर की सेवा में ये चीज नहीं लगती, भगवान की सेवा में कहीं लगती है? नहीं लगती है। आप देखोगे तुम्हारे घर में एक दो पीढ़ी पहले, आप स्वयं देख लेना, आपका घर में तो नहीं आता होगा। क्योंकि पहले पहले हर माताएं जो भोजन करते थे ठाकुर को भोग लगाते थे, जो बनती थी ठाकुर को पहले तुलसी दल से भोग लगाते थे, भोग लगा कर उसको ग्रहण करते थे। इसलिए किसी घर में, किसी हिंदू घर में ये प्याज लहसुन नहीं आता था। फिर आया कहां से? पर ये मुगल लोग ने लाए, ये मुगल लोग ने ये प्याज लहसुन लाए, ये मांस मदिरा है अंडा फंडा इसको कौन लाए? और ये मुगल लोग ने लाए और हमें सब मुसलमान बना दिया, सब मुसलमान हमें बना दिया। इसलिए कोशिश कर और घर में जो कुछ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। देखो ये गीता का श्लोक है, अभी बच्चा बोल रहा था ना, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब मेरे को कोई भोग लगाते हैं, कहते प्रसाद है सर्व दुखाना, मेरे को भोग लगा कर खाए तो घर का कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। हम प्रसाद मांग मांग कर खाते ना, प्रसाद को मांग मांग खाते ना प्रसाद को, प्रसाद मतलब आशीर्वाद है। लेकिन अगर कोई भोग नहीं लगाए, कहते भूल जाते तो अधम पापा, जो मेरे को भोग नहीं लगाते ही वो पाप भोजन करते हैं। इसलिए एक ही काम करता है, घर में जो कुछ भोजन कर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कौन कौन सुदामन का नाम जानते हो? कहते ये पहले ये दरिद्र क्यों बनी और बाद में ये धनी क्यों बनी, ये चीज को समझो। एक समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता सुदामा जी को चाणा दिया, बोले देख सुदामा कृष्ण को देख कर खाए, लेकिन उसने भगवान से छुपा छुपा कर खाए। ठाकुर तो सब जानते हैं, बोले मेरे हिस्से को तुम छुपा छुपा कर खा रहे हो, इसलिए बड़ा दुख कष्ट उठाया, बड़ा दरिद्र बने। लेकिन धनी का बने, जब उनकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का दोस्त द्वारका किसी, बोले जाओ एक बार ठाकुर को दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने दो मुट्ठी चिड़ वाले कर गई, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए। जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मणी हाथ पकड़ी, बोली प्रभु और नहीं, अब दो मुट्ठी खा लिया ना उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी, इसलिए प्रभु और मत खाया करो। जब सुदामा घर में वापस आता है, सोने के महल घर में पत्नी को राज रानी बनकर के बैठी हुई, अपना पत्नी को वो पहचान नहीं पा रहा था, बोले धनी क्यों बना? क्योंकि उसने ठाकुर जी को खिलाया, ठाकुर जी को खिलाया। सिखा देते हैं जब ठाकुर जी को भोग लगा के खाओगे ना, हम लक्ष्मी की कृपा हो, घर में लक्ष्मी आई है। इसलिए अब देखो इसका क्या कारण अच्छा तरह से समझो। जो पैसा को हम कहते हैं लक्ष्मी, क्या बोलते हैं पैसा को? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी किसकी है बताओ? ये लक्ष्मी है किसकी? नारायण। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण के सेवा में लगेगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, फिर खुश होकर आशीर्वाद देगी। अगर लक्ष्मी को आप भोग करना चाहोगे, पैसा को लक्ष्मी कहते हैं, अगर पैसा को अगर भोग करना चाहोगे फिर लक्ष्मी संतुष्ट होगी क्या? लक्ष्मी फिर संतुष्ट नहीं होगी, नाराज हो जाएगी। भले आपकी घर में बहुत पैसा आ जाएगी, लेकिन देखना अगर लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लग रही है, देखना घर में शांति सुखती है, लड़ाई हो जाएगी, कोर्ट मामला चल जाएगी, कोई कठिन बीमार दे देगी लक्ष्मी, लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देगी। क्यों? वो लक्ष्मी नारायण की, वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लग रही है, इसलिए ये दुख कष्ट आती है। लेकिन भगवान को भोग लगा कर खाओ, आप स्वयं देखोगे, गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे को भोग लगा कर खाने से घर में दुख शांति सुख बन करके रहेगी, ठीक है? इसलिए एक ही काम करना, अगर प्याज लहसुन अगर छोड़ सकते हो अच्छी बात है, ठाकुर जी के लिए छोड़ करके आप बोलो भाई स्वाद नहीं आती, क्योंकि प्याज लहसुन अगर स्वाद नहीं आती, नहीं स्वाद नहीं है बदबू है, ये स्वाद नहीं है, क्योंकि दाल का स्वाद है, सब्जी की एक अलग स्वाद, जब उसमें प्याज लहसुन डाल दिया ना ये दो गुंडे आ गए,
ये तो गुंडे है, राइट। सब्जी भाग यहाँ से, दाल भाग, हम तो गुंडे आ गए। लेकिन उसमें बदबू आ जाती है प्याज लहसुन की, वो खुशबू नहीं, वो बदबू है। लेकिन बदबू को ना हम खुशबू समझ लेते हैं। आप कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, हमारे सामने कटेगा तो हम बैठ नहीं सकते, उसमें इतनी बदबू आती है। लेकिन आंखों में आंसू आ जाती है, घर में प्याज लहसुन छोड़ो, घर घर में बदबू आ जाती है। कच्चा प्याज खाओ, खड़े होकर बात नहीं किसको कर सकते, मुंह से इतनी बदबू निकलती है, वो स्वाद नहीं, वो बदबू है। वो बदबू को जैसे शराब है, आप बताओ शराब गंदी ना अच्छी है, बताओ ये शराब अच्छी ना गंदी है, बताओ, कोई बोल नहीं, गंदी है। लेकिन जो शराब पीता है उसको बुरा लगता है, क्यों? वो पी पी करके आदत बिगाड़ चुका है। इसलिए हम लोग भी प्याज खा खा करके आदत को बिगाड़ चुके हैं, इसलिए हमको ये चीज अच्छी लगती है। कुछ दिन छोड़कर देखोगे ना, जब कटेगा खड़े भी नहीं हो सकते हो, खड़े भी नहीं हो सकते हो। इसलिए जो चीज ठाकुर को प्यारा नहीं, इसलिए 9 दिन तक नहीं खाते है ना, नवदुर्गा क्यों नहीं खाते, माँ को नाराज, माँ को पसंद नहीं, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना था, फिर खाओ उसको नाराज कर दोगे। इसलिए जो चीज को पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, तभी तो माता जी खुश रहेगी ना। इसलिए कोशिश करना, धीरे धीरे अगर ये चीज छूट जाएगी तो ठाकुर को भोग लगा कर खा सकते हो। ठाकुर को प्रसाद से खाने से, हम कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे मनेगा मन, भगवान को प्रसाद खाओगे मन पवित्र बनेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान ने सारे अमृत देवता को जब दे दिए और अमृत कलश सब फेंके और ठाकुर वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अभी देवता को अमृत पी चुके थे, अमर बन गए, अमर बन गए। तो फिर देवता दैत्य में लड़ाई हुई, तो देवता ने दैत्य को एक तरफ से काटना शुरू किया, जैसे केले का पेड़ को काटते ही। ब्रह्मा जी ने देखा दैत्य का प्रसंग समाप्त होने वाले, फिर ठाकुर जी ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को रोक लगाते। फिर उनका गुरु जी आए दैत्यों का, आकर के संजीवनी मंत्र से फिर चेलों को जीवित कर दिया। अभी देवता का जो राजा था बलि, इन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ का नाम था विश्वसान, जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ। यज्ञ से एक रथ निकली और अस्त्र शस्त्र से भरा पड़ा हुआ, उसको उसमें बैठ करके जो युद्ध करेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने देवलोक में चढ़ाव करके सारे देवता को भगा दिए और स्वयं वहां पर राजा बन गए। जब देवता लोग मरते जगत में आकर के दर दर भटक रहे थे, इनकी माता, इनकी जो माता जी थी, उन्होंने कश्यप ऋषि को, अदिति ने बोली मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा। बोले एक काम करो, के पय व्रत, केवल 7-8-10 दिन का पय व्रत करो, ठाकुर जी ब्राह्मण बन करके आएंगे, फिर स्वर्ग राज्य को वापस देंगे। उन्होंने पय व्रत की तो ठाकुर जी स्वयं ब्राह्मण बन करके आए। बोले श्री ब्राह्मण भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की। जब श्री ब्राह्मण देव की उपनयन संस्कार हुई, नियम है संस्कार के बाद में गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी बताओ क्या दक्षिणा देनी, दक्षिणा क्या चाहिए। बोले दक्षिणा एक काम करो, नर्मदा नदी किनारे में चले जाओ, वहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वहां से तुम स्वर्ग राज्य को वापस ला करके मेरे को दो। जब उन्होंने वहां पहुंचे, बलि महाराज भगवान इतने सुंदर रूप था बामन देव का, बोले आज मेरे घर धन्य हो गया है, इतने तेजस्वी ब्राह्मण है, बोले आप आज जो कुछ मांगोगे जी भर करके आज मैं दान दूंगा। बोले पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य को पता चला ठाकुर जी स्वयं बामन बन करके आए। शुक्राचार्य भागते भागते आया, बोले बलि सावधान, तो ये कौन है, ये पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, आपको अमृत से वंचित कर दिया वही मोहिनी, ये मोहन बन करके आया, ये मोहन बन करके आया। ये 3 पग जमीन नहीं, ये 3 पग से विश्व ब्रह्मांड ले लेगा, ये सारा दुनिया का माली। बलि महाराज तो खुश हो गए, मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, क्योंकि एक में तो देवी फिर दूसरे में शेर गोबर चढ़ करके आई, एक तो मांगने वाला, दूसरे कौन है मांगने वाला, ठाकुर जी है भैया, दुनिया तो उन्हीं का ही, वो तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन स्वयं ठाकुर जी मेरे पास तो भिक्षा मांगने के लिए आए, मेरे जैसे सौभाग्यवान कौन हो सकता है। बोले मैं गुरु जी कह रहा हूँ, भैया तुम मेरे आदेश को पालना करो, तो गुरु जी का बात नहीं मान लो,
बोले ऐसे गुरु जी की कोई जरूरत नहीं, बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ तो स्त्री भ्रष्ट हो जाओगी, बोले कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर नियम है, कहते भैया गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग पाप है, लेकिन बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों दिया? शास्त्र ने बताया अगर गुरु जी असत मार्ग में चले जाते हैं, गलत मार्ग में चले गए, भक्ति धर्म को छोड़ दिए हैं, भक्ति धर्म को छोड़ देते हैं, अगर असत मार्ग में गए गुरु जी, कहते वहां त्याग करने से कोई दोष नहीं है। इसलिए शास्त्र ने बताया अवैष्णव उपदेष्ट मंत्र न निरंबर्य, अगर गुरु जी वैष्णव नहीं है, अगर उसको अगर हम ग्रहण करके हमारी गति अच्छी नहीं होगा, फिर क्या करनी चाहिए? बोले पुनश्च विधि नाम सामग्री, पुनः विधि विधान के साथ में वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए। अभी गुरु जी जब अभिशाप दिए, उन्होंने जब फिर संकल्प करने के लिए गए, फिर तो कीड़े बन करके बैठ गए, फिर तो उन्होंने कुछ से छेद किया तो एक आग चली गई। इसलिए धर्मी की काम हो, कोई अच्छा काम हो भैया, उसमें तुम्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर उसमें प्रभु की भक्ति में टांग अड़ाओगे ना, फिर तो अंधा बनोगे, तो तुम्हारी आंख काना हो जाएगी। इसलिए कभी भी अच्छे काम में टांग मत अड़ाओ। इसलिए ये भागवत धर्म भक्ति धर्म की इतनी महिमा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे प्रभु की कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति ने इतनी सी बात को बोल बोलते भागवत कथा बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्य पुनाति सत धर्मम, वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, सारे पाप नष्ट होकर के भगवत लोक गमन करता है, ये भागवत भक्ति धर्म कितने महिमा है। उन्होंने अतल वितल तलातल पाताल को ले लिया, एक पद और एक पद में भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को ले लिया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी चरण को धो करके कमंडल में रखे तो वही श्री पति बाबन श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा मैया की जय। बोले बताओ अभी तीसरे पद कहाँ रखू? दो पद में विश्व ब्रह्मा ने ले लिया, बोले बताओ तीसरे पद कहाँ पर रखू? उन्होंने नाग पास बंधन में बांध दिया। जब बांध दिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना बड़ी भक्तिमती थी, बड़ी प्यारी बड़ी भक्तिमती, बोले आपने भगवान को क्या दिया? दुनिया तो ठाकुर की बात, ठाकुर दुनिया ले लिया, आप तो कुछ दिया ही नहीं। बोलो ना मेरे सर पर रखे, कितने भाग्य हैं, ठाकुर जी आपके सर के ऊपर चरण रखेंगे। बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले भैया पत्नी तो कैसे होनी चाहिए? देखो ध्यान दे कर, बोले दो तरह का पत्नी है, कहते एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। क्या पत्नी है? एक धन पत्नी, देखो आप लोग इसको जीवन में उतारना, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। कहते भैया धन पत्नी किसको कहते हैं? बोले जब तक पति के पास में धन रहे तब तक रहे, हैं? बोले धन नहीं, बोले छोड़ो। बोले धर्म पत्नी किसको कहती है? धर्म पत्नी उसने उसको कहती है धर्म पत्नी जो दुख सुख में पति के कंधे पर कंधे देकर चले, इसलिए सुख में रहे दुख आए तो भाग दे, ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति सिखा देती है तो बोले पति पत्नी देखने में दो है, लेकिन वो एक है, दो नहीं वो एक है। हर समय पति पत्नी के साथ दे, और पत्नी पति और पति पत्नी दोनों दोनों को देख। देखो दो पहिया में गाड़ी सही तो चलेगी ना, एक पहिया तो उलट जाएगी, इसलिए दोनों पति पत्नी मिल करके सारे धर्म कार्य को करनी चाहिए। बलि महाराज इतने खुश हो गए, बोले तेरी जैसे पत्नी होनी चाहिए हैं? अभी तुम्हें फंस गया था, सोच रहा था करूँ क्या, कर तो करूँ क्या, इसलिए मैं प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर के बोले भगवान ये बताओ दान बढ़ा ना दानी बढ़ा? बोले दानी बढ़ा। बोले अब तो दानी ही है, अभी तो दानी खुद बाकी है, हैं? बताओ प्यार कहाँ पर रखे? बोले मेरे सर पर रखो, ठाकुर जी उनके सर के ऊपर में जब प्यार रखे सारे देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा दुर्लभ चरण बने, बलि महाराज सर पर रखे, देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बहुचार की और उन्हें जयकार लगाई। बोले श्री वामन देव की, बोले श्री बलि महाराज की जय, जय श्री राधे। वामन भगवान को ले आ, वामन भगवान को ले आ, उधर बना के रखे नहीं वामन बने। हाँ देखो अभी श्री भगवान वामन देव आज आपको पास में दिखा लेने के लिए आएंगे,
भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। जैसे सुधा माने दो कोटी चिड़िया दिया था ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। आप लोग थोड़ी थोड़ी भगवान देव को थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ भिक्षा देना। बोले श्री भगवान भगवान की माता जी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जो भगत भर Let's go.
जय प्रभु जी। आगे चले जाओ प्रभु जी, आप आ जाओ इधर। हम जाकर पगड़ी बांध करके जो कृष्ण बने हमको लेकर रेडी रहना, मैं जो बुलाऊं आ जाओ। अब जाओ जाकर रेडी। बस कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। वहीं पर बैठो लाला, उधर बैठो, वहीं पर बैठो, बैठो। फलकति तो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य राज्याम च भयवंशना चरितं परमाद्भुतम्। मतलब भागवत में दो वंशावली का नाम आया है, एक तो सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। और सूर्य वंश में भगवान राम आए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण चंद्र आए। जब से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा सुनाने जा ही रहे थे, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं, उनके हृदय में सारे कृष्ण कथा एकदम सीरियल रूप में प्रकट हो गया। सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा को बोल दी। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट होते हैं, कैसे कृष्ण गोकुल में जाते हैं और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, गोकुल में कैसे धूमधाम उत्सव कैसे हुई और कैसे कृष्ण पुतना अघास बकास रूप कैसे मारे, कृष्ण कैसे गिरिराज उठाए, कृष्ण कैसे रास रचाए, फिर कृष्ण मथुरा में जाकर कंस को उद्धार किया, द्वारका में गए और उन्होंने 16108 पटरानियों से शादी किए, हर पत्नी से 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, ऋषियों का अभिशाप ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए और उन्होंने अपना धाम को चले गए। इतना सुखदेव गोस्वामी बोले और बोल करके बोले बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, इतना बोल कर ना चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या कृष्ण कथा हो गया, बोले पूरी बोल दिया ना कृष्ण कथा, बोले मैं 4 दिन से टकटक लगा करके देख रहा हूँ कब कृष्ण कथा आएगा, मैं कृष्ण कथा सुनूंगा। क्यों, कृष्ण मेरे कुलदेवता, जब मैं माँ के पेट में था अस्वस्थ माने मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके वो ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज करके ठाकुर जी मेरे को प्राण दिया था, इसलिए मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आप तो जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में सारे समुद्र एक श्लोक बोले सारी कथा खत्म कर दी, मेरे को आनंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कृष्ण कथा विस्तृत रूप में सुना। श्री सुखदेव गोस्वामी खुश हो गए, बल्कि यही चीज को मैं परीक्षा करना चाह रहा था, क्या सचमुच से तू कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे हो। फिर उन्होंने तो तीन दिन तक उन्होंने केवल कृष्ण कृष्ण कथा उन्होंने सुनाई। बोले जिस समय कंस ने बड़े उत्पात मचाए, इतने उत्पात उसने मचाए, कभी किसका बेटा था, बोले उग्रसेन का। बोले भैया उग्रसेन तो कृष्ण का परम भक्त था, फिर इसका बेटा कैसे दुष्ट बना। देखो ये सब चीज ना माता लोगों के लिए बड़ी शिक्षा के विषय है। यदि एक समय ये श्री उग्रसेन का पत्नी का नाम थी पद्मा, वो बड़ी देखने में सुंदर थी, अभी शादी करके अभी वो पीहर गई थी। पीहर जब गई एक दिन बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए बाग में बगीचा में घूम रही थी और ये दुर्बला दैत्य अपना इच्छा रूप को रूप धारण कर सकता था, वो आकाश में जब जा रहा था उसने देखा पद्मा को बड़ी सुंदर ही है, उसने क्या किया उग्रसेन का रूप धारण कर दिया। उग्रसेन का रूप धारण करते हुए पत्नी ने कहा आप यहाँ कैसे आ गए, बोले मैं रास्ता में जा रहा था तेरे को देख लिया, अभी छुप करके बगीचा में उसको साथ में मिले, मिले तो उसकी गर्भ से उसकी औरत से पेट में बचा गए। अभी थोड़ी देर बाद में जब चले गए ना, क्योंकि हर पत्नियों का पत्नी को पति के हाव भाव से पता चलता है, उन्होंने देखा भैया इसके हाव भाव तो कुछ अलग सा दिख रहा था, मेरे पति तो जैसे लग ही नहीं रहे थे। फिर उसने बहाना बना कर किया कि जल्दी जल्दी उसने पीहर आ गई, जल्दी जल्दी ससुर घर में आ गई, उसने ये बात इसको बताया नहीं और उसके गर्भ में राक्षस का औरस आया, इसलिए इतने उत्पात इतने दुष्ट बना। यहाँ शिक्षा देते भैया अपना बच्चों को ही हमें पालना करनी चाहिए, दूसरे के लिए नहीं, फिर तक तुम्हारे जीवन को ही सत्यानाश कर देगा, इतने उत्पात मेरे बनेगा। इसलिए उसने भाग करके आ गई, कंस हुआ
एक दिन उसने अपना पिता को ही बंदी साहब में डाल दिया, बोले चुप बैठ गया वहीं पर, बोले देखो मेरे देश में कोई कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकता है, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, मेरे देश में ठाकुर को पूजा कोई नहीं कर सकता है, जो करेगा सब जेल में बंद कर दूंगा। सारे को सारे जेल में उन्होंने बंद करवा दिया। जब बंद कर दिया इतने में सारे संत लोग जेल में बैठी बैठी करके ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बताओ, तू जानता तेरे बाप जानता,
उन्होंने उनको ऐसे भड़का दिया। भड़का करके नारद जब चले गए कंस बच्चों को मार डाला। बोले भैया ये छह बच्चे कौन है? बोले ये कंस सब है कौन? यहाँ पर ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, ठाकुर जी अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आए। बोले ठाकुर जी अष्टम गर्भ में क्यों आए? जब ये चीज को अच्छे से सुनो, ध्यान देकर ये चीज को सुनो, ठाकुर जी अष्टम गर्भ में क्यों आए और ये छह बच्चे है कौन? कभी जो छह बच्चे हैं, कभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। अगर हृदय में कोई ठाकुर को बैठना चाहते हो पहले क्या करो, ये काम क्रोध लोभ मोह को पहले खत्म करो, हैं? उसको बाद में कौन आए? बोले श्री दाऊ भैया। बोले श्री बलदेव प्रभु कौन है? बोले ये संधिनी शक्ति, बोले पृथ्वी का स्वरूप है, जो भगवान को धारण करने वाले, जो पंचरस रस शरीर से ठाकुर को सेवा करते हैं, ये श्री बलदेव प्रभु। और अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया आए। इसलिए अष्टम गर्भ में ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण बताए, भक्ति का आठ स्टेजेस है, आठ सोपान है। भक्ति का सबसे पहला सोपान क्या? श्री श्रद्धा। जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा है, भावना है, तब तो कथा में आई ना। अगर श्रद्धा नहीं होता तो यहाँ आते ही नहीं। बोले दूसरा नंबर, बोले साधु संत। जैसे श्रद्धा हुई, आए भगवान की कथा सुन रहे हो, ठाकुर की कथा सुन रहे हो, जब कथा से ये ज्ञान हो हम कौन है, जीव अविनाशी, हम सबके सब ठाकुर की औलाद है, ठाकुर जी के बच्चे हैं, ठाकुर को भूलने का नाते ये संसार में आए और ये दुख कष्ट को भोग करते हैं। बोले तीसरा नंबर क्या? बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब क्या? जब हमें पता चलेगा हम भगवान की संतान है, फिर क्या करेंगे? फिर ठाकुर जी का भजन करोगे, भक्ति करोगे। जब भक्ति करोगे, चौथा स्टेज क्या है? जब हम भक्ति करेंगे, हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है, फिर ये सारी चीजें हमारी खत्म होगी। जब ये सारी चीजें खत्म होगी, उसको बाद में आएगी रुचि। बोले रुचि मतलब क्या? जैसे भगवान की भक्ति करो ना, देखना दूसरी चीज में तो हमारे मन लग जाते हैं आसानी से। टीवी में कोई सीरियल आया ना, देखना तीन तीन घंटा बैठ कर देख लेते हैं, किसको बोलो पांच मिनट भेजने के लिए बैठो, मन लगता है, मन उचट उचट सा हो जाता है। बोले क्यों? बोले हमारे हृदय में बड़े पाप भरा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी के नाम में हमारी रुचि नहीं आती। लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे, धीरे धीरे उसको जो छठवा स्टेज को बताया, ये क्या है? निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है? बोले निष्ठा का मतलब होता है, जैसे मीरा, मीरा का नाम आप लोग सुने होंगे। जब मीरा ने भजन करने के लिए कोशिश की, उसका जेठ, उसका देवर, उसका पति, उसका नाना, उसकी सास, सबके सब मीरा के विरोध हो गए। सारा गांव के कुत्ता तक उसको पीछा नहीं छोड़ा, कुत्ता तक उसको पीछा नहीं छोड़ा, सब उसको विरोधी करने लगते। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, अच्छे काम करना विरोध हो गया, भक्ति कर तो गले में अगर कंठी वाला पहन लिया, बोले ये कौन सा बीमारी है, हैं? ये सब कंठी माला, ये सब तिलक क्या चीज है? इसलिए दुनिया में सब बीमार, सब जगत में इसकी पूजा हो रही है, मीरा की पूजा हो रही ना, उसकी जेठ देवर नंद की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? बोला बता किसकी पूजा हो रही है? मीरा की। आप लोग मेरे कंस का नाम सुने हो? कौन कौन कंस का नाम सुने हो? सब जानते हो। इसने भगवान की भक्ति में विरोध किया। अभी भी देखोगे कंस का पुतला अभी भी जलाया जाता है ब्रज में, तो उसको डंडे लेकर के बार बार उसको भगा भगा कर जलाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में विरोध किया था। रावण का नाम जानते हो? सुनो कि नहीं? रावण का नाम, अभी भी रावण का पुतला जलाते हैं। बोले क्यों? बोले भैया जो भगवान की भक्ति में विरोध करेंगे ना, जब तक दुनिया रहेगा तेरे को जलाते रहेंगे, जब तक दुनिया रहेगा तेरे को जलाते रहेंगे। लेकिन विभीषण की पूजा होती है, क्यों? भगवत राम की भक्ति में मदद करता था, इसलिए कहते भैया कभी भी भक्ति की विरोध मत किया करो, नहीं तो जब तक दुनिया रहेगी ना तेरे पुतला तक भी जलाते रहेंगे। इसलिए कभी भक्ति में विरोध नहीं करनी चाहिए। निष्ठा मतलब होता है भक्ति में इतने पक्की बन जाते हैं, भले ही दुनिया कुछ भी कर ले लेकिन भगवान की भक्ति कभी वो व्यक्ति नहीं छोड़ता है, इसलिए उसका नाम निष्ठा। बोले सप्तम स्टेज में, बोले आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या? प्रभु का प्रेम में उसका इतने आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति अवस्था में भावावस्था बताया, कभी कभी ठाकुर की मीठी मीठी
बंसुरी की आवाज सुनने को मिलती है। कभी कभी उसको ठाकुर जी के चरण की नुपुर, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और उनको स्पर्श कर दिया, उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी उसको सामने साक्षात प्रकट हो गए और इतने सुंदर ठाकुर जी पूरा आग उसकी चकाचौंध हो जाता है। कहते ये भावावस्था है, ये सप्तम स्टेज है। कहते अष्टम स्टेज मतलब अष्टम स्टेज में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होकर उसको दर्शन देते हैं। इसे ठाकुर जी कौन सा गर्भ में आए, ठाकुर जी अष्टम गर्भ में श्री ठाकुर जी आए। अभी देवकी गर्भ में ठाकुर जी आ गए, सारे देवता लोग आकाश मार्ग से आकर के ठाकुर जी को स्तुति कर रहे हैं। देखो हम भी थोड़ा ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, ठाकुर जी को स्वागत करते हैं। बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। सारा दुनिया नाच रहे थे, गा रहे थे।
लेकिन एक व्यक्ति कोने में खड़े होकर के रो रहे थे, बोले कौन? ये चंद्रमा। कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा, चंद्रमा देख मेरे उत्सव में सारा दुनिया नाच रहे हैं, लेकिन तू एक कोने में खड़े होकर रो रहे क्यों? बोले प्रभु रोऊंगा नहीं, क्या हंसेगा मैं? तुम्हें हंसना, तुम भी नाच और तुम भी कीर्तन कर। प्रभु जी थोड़ी देर बाद में, हरे कृष्णा। इसलिए बोले भैया तुम भी तो नाच है, तुम भी तो नाचो। बोले कैसे नाचूंगा बताओ? ये जो सूरज है वो एक महीना से एक जगह पर खड़ा हुआ, जब तक सूरज नहीं जाएगा, इसलिए देखो एक महीना से खड़ा हुआ है। इसलिए आपकी जन्म उत्सव में तो सबके सब आनंद लिए, लेकिन मैं ही वंचित हो गया। बोले कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, मैं जब दूसरा बार आऊंगा ना, फिर तो तेरे वंश में आ जाऊंगा, तेरे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में आऊंगा। बोले प्रभु कहाँ तृतीया और कहाँ द्वापर को, कितना लंबा दिन। बोले पर चिंता मत करो, मेरा नाम तो होगा राम, सारा दुनिया मेरे को राम चंद्र बोले। क्या बोलेंगे? राम चंद्र, मेरे नाम से जोड़ लूंगा। बात चंद्रमा खुश हो गए, अभी चंद्र वंश में कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन अष्टमी का रात वो इतना खुश थे, चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, आप लोग देखे होंगे उसी समय में, सुने होंगे, कृष्ण जब आए आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, आकाश में काला मेघ छाया हुआ था। मेघ कहाँ होता है? मेघ होता है नीचे, और चंद्रमा होता है ऊपर में। अभी चंद्रमा और मेघ में ना लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले ए मेघ मेरे सामने से हट जा। मेघ कहता क्यों हटू? बोले तेरे को पता नहीं कृष्ण किसकी वंश में आ रहे हैं? मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं कृष्ण किसका रंग लेकर के आ रहे हैं, किसका कलर लेकर के? मेरे कलर लेकर के आ रहे हैं। बोले कलर तो तेरे, लेकिन वंश तो मेरे है ना, इसलिए तेरे से ज्यादा सौभाग्य मैं ही। अभी तो लड़ाई शुरू हो गई। इतने में देवता लोगों को बोले भैया ये लड़ाई करने का थोड़ी समय है, ये तो आनंद लेने का समय है, तुम भी आनंद ले, उससे भी आनंद लेने दे। इसलिए दोनों हट जाओ, तुम भी थोड़ा हट जाओ, दोनों आनंद लो, भैया लड़ाई मत करो। लेकिन जो कमल फूल खिलता है दिन में, रात में नहीं खिलता है, लेकिन कमल फूल खिल गया रात में, फूल इसलिए खिल गया, बोले जब संत लोग भगवान की शरीर को जो वंदना करेंगे, रूप को, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी। भगवान की आठ कमल का रूप, क्या कहते भगवान को? मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, ठाकुर में आठ कमल ठाकुर ने। इसलिए ये कमल को साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए कमल रात दिन में खिलता है, लेकिन रात में ये कमल फूल खिल गया रात में। सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, और जितना नदियां थी ना वो भी खुश हो रही थी। बोले नदियां क्यों खुश हो रही? बोले कारण है जो यमुना है ना, ये सबसे बड़ी बहन है, और जितने गंगा यमुना सरस्वती छोटी बहन है। अभी कृष्ण की शादी किसको साथ में होगी? यमुना को साथ में। जब कृष्ण यमुना को साथ में शादी करेंगे, और यमुना के सबके नदी छोटी बहनी है, तब ये छोटी बहन कृष्ण का क्या लगते हैं? ये नदियां कृष्ण की क्या लगेगी? इनकी साली बन जाएंगी, क्योंकि बड़ी बहन से शादी हो गया ना। आप देखना कभी कभी दामाद अपना पत्नी से साली को ज्यादा गर्व प्रेम करते हैं। इसलिए सब नदियां खुश हो रहे थे, हम कृष्ण का साली बनेंगे ना, कृष्ण हमें भी प्यार करेंगे, इसलिए सारी नदियां प्रसन्न हो रही थी। और विशेष करके आप देखना आकाश में जब काला मेघ छा जाए, चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। कितने लोग खुश होते हैं? कौन कौन है बता सकते हो? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, जो कल मेरे को बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। चार व्यक्ति कौन खुश होते हैं? ये कृष्ण रूपी काला मेघ अभी छा गया, पहला नंबर खुश होता है किसान। क्यों? किसान ने खेती बोया, अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? खेती सारी खत्म हो जाएगी, खेती खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसान कौन है? पितामह ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि को रचना की, लेकिन कंस जरासंध और शिशुपाल राक्षस लोग आकर के सबको ऊपर में अत्याचार कर रहे थे, इसलिए पितामह ब्रह्मा बड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन जब देखा कृष्ण रूपी काला मेघ छा गए, ब्रह्मा खुश हो गए। बोले क्यों? बोले परित्राण आया साधुना बिना साय, दुष्ट को विनाश करके भक्तों को रक्षा करेंगे। पहला नंबर कौन खुश हो गए? ब्रह्मा जी। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले मोर।
आप लोग को मयूर को देखना कब नृत्य करे, आकाश में जो काला मेघ छा जाए ना, शब्द होने लग जाए और बिजली चमकने लग जाए, रिमझिम बारिश हो, उसी समय में मोर पंख खोल करके नृत्य करता है। बोले यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन मोर कौन है? बोले नीलकंठ स्वयं से भोले बाबा। कल हम सुनेंगे शंकर जी कैसे प्रभु को दर्शन करने आते हैं, और जो नंदगाम स्वयं शंकर जी ये नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए। बोले तीसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले चातक एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता, कब पीता है? जब आकाश में बारिश हो, केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए वो हर समय कहता है प्यासा प्यासा पानी 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 चित्कार करता है। कहते भैया ये लोग कौन है? बोले नारद आदि जितने संत लोग हैं यही चातक है, प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर आएंगे, ठाकुर का लीला दर्शन करेंगे। कल भी नारद जी की कथा सुनेंगे, नारद भी कैसे दर्शन के लिए आते हैं। बोले चौथा व्यक्ति कौन खुश होता है? जब किसी जंगल में आग लग जाए ना, हाथी को बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि वहां पर फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। जब घमासान बारिश होगी ना, तभी ये जंगल का आग तभी बुझेगी, नहीं तो बुझेगी नहीं। बोले भैया ये दाबानल में दग्ध हाथी कौन है? बोले इंद्र चंद्र जितने देवता लोग बड़े दुखी हो रहे थे, क्यों? राक्षस लोग उत्पात मचा रहे थे, लेकिन जब देखा काला मेघ छा गया, मतलब कृष्ण जन्म लेने वाले पास सबके सब जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, और जितने संतों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा था, पता नहीं ये संतों का हृदय में इतने आनंद की भाव उमड़ गया, क्यों? कृष्ण जन्म लेने वाले ना, वो जेल में वेट करके जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दी। उसने हवन को बंद किया था, लेकिन बगन हवन सामग्री के बगैर अग्नि कुंड में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गया। अभी सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, और ठीक रात को बीच में कृष्ण कंस के कारागार में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बोले की जय, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जब कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए, देवकी बोली प्रभु मैं तो अपना बच्चे रूप में प्रार्थना की थी, आप तो ये घुंघरा के केश चमकीले वस्त्र पहन करके आए। ठाकुर जी बोले देवकी वसुदेव तुम दोनों पूर्व जन्म में पृष्ठ सूत थे, देश का राजा रानी, लेकिन कोई देश का राज ऐश्वर्य भोग नहीं की, 10,000 साल तक जो सूखा पत्ते को खा खा कर भजन की। मैंने बोला वर मांगो, बोले आप जैसे में एक लाला चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई भोग नहीं होते, मेरे जैसे मैं हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी बच्चा बन करके आ जाऊंगा। देखो अभी छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल ले जाना, गोकुल में एक बेटी हुई और वहां रख करके बेटी को ले आना। बोले प्रभु कैसे जाऊंगा, ये हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, सबके सब पहरादार सबके सब जगे हुए। बोले देखो केवल एक काम करना, देखो आप लोग भी सुनो, बोले एक ही काम करो, मेरे को अपना सर पर रखना, जब मेरे को तुम आगे कर लोगे ना, जितने जीवन का बाधा विपत्ति सब दूर हो जाएगा। माना ठाकुर जी ये शिक्षा देते हैं, घर में जो जो भी कुछ कर रहे ना, ठाकुर का आगे लेकर करो। हम कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अब ठाकुर को लेकर करो, जैसे घर में बच्चे का बर्थडे बनाते हो, बच्चे के लिए बढ़िया कपड़ा लाते हो, केक कटवाते हो, लेकिन वो केक को काट कर भी क्या करो, पहले कृष्ण को भोग लगाओ। अपना बच्चे के लिए भी कपड़ा खरीदी करते हो, इसीलिए ठाकुर के लिए भी एक कपड़ा खरीदी करो। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, एक समय एक हमारे गुरु जी ने एक व्यक्ति को पूछा आप कितने हो? बोले हम 4 हैं। बोले कौन कौन? बोले 2 पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी जो बच्चे। गुरु जी बोले ठाकुर जी भाई कहाँ गए? ठाकुर जी, ठाकुर भी तो घर के सदस्य है ना, इसने 4 मत कहा करो, कितने हो? 5 बताया करो, हम घर में 4 नहीं, हम घर में 5 हैं। घर में जो कुछ खाना बनता है, बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ, बस भगवान भी हमारे घर की एक सदस्य है। आप देखना घर में जितने सुंदर तुम ठाकुर को सेवा करोगे, जितने बढ़िया से श्रृंगार तुमको सेवा पूजा करोगे, घर में इतना खुशियाँ रहेगी, उतना घर में शांति सुख रहेगी। एक उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से शरीर को सजाओ और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जितना सजाओगे परछाई भी ऐसे सज जाएगी।
परछाई ही ऐसे अपने आप सज जाए, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। इसका मतलब है ठाकुर जी मूल है, जितने सुंदर तुम ठाकुर को भोग लगाओगे, सेवा करोगे, उनकी खिलाओगे ना, देखना घर में उतना ठाकुर को सेवा नहीं करोगे, लक्ष्मी ठाकुर जी की सब कुछ दुनिया कर रहे हो लेकिन ठाकुर को नहीं करोगे ना, फिर तो घर में माँ लक्ष्मी तुम्हें शांति सुख नहीं देगी, घर में पैसा आएगी, सब कुछ आ जाएगी, वो लक्ष्मी इतने बिगड़ जाएगी घर में लक्ष्मी, क्योंकि आप ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो, और ऐसे बीमारी ऐसे दुख कष्ट देगी, फिर तो दूबी दूबी आएगी। से वृंदावन बिहारी लाल की ले आओ, ले आओ उनको, ले आओ बच्चों, यहाँ पर कफी है ना, उनको ले जाओ, ले आओ। हाँ देखो आज तक भगवान कृष्ण जन्म हुए, कल से राधा के जन्म लेंगे। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हुआ, पीले रंग के, कल जो है ना सबके सब गुलाब रंग के साड़ी पहन करके आए, कौन सा रंग की गुलाबी फूल पहनोगे, बोले राधा रानी। देखो हम भी गुलाबी कपड़ा पहने, ये जो गुलाबी है ना ये कहते ना आज धीरे धीरे होली रसिया, कहते जो गुलाब रंग है वो प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग है, गुलाब गुलाब का रंग ऐसे रंग है ना, इसलिए जो राधा कृष्ण होली खेलते होली नहीं, राधा रानी कृष्ण, कृष्ण राधा रानी को अपना प्रेम में दोनों को भिगो देते हैं, दोनों दिल को डुबा देते हैं, इसलिए ये रंग जो है ना जो गुलाब रंग है ये प्रेम का रंग है, प्रेम से शरीर को ढक कर का गुलाबी साड़ी नहीं, ये राधा रानी का प्रेम का रंग श्री, ये गुलाबी रंग है, ठीक है। अभी भगवान कृष्ण को ले आओ, ले आओ कृष्ण को और नंद बाबा को ले आओ। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर बधाई गाएंगे, आप लोग जरूर भगवान की बधाई में नृत्य करना, जो आज नाचेगा ना ठाकुर का जन्म में भगवान के नंद उत्सव में जो नाचेगा, फिर उसको 84 लाख जन्म में नाचना उसकी बंद हो जाएगी, इसलिए सबके सब आनंद पूर्वक सबके सब नृत्य करना। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, आपने फूल है ना भगवान को फूल अर्पण करो, फूल हरे कृष्ण, और यहाँ पर दो चेयर दे दो, यहाँ पर दो चेयर दे दो उनको बैठने के लिए, दो चेयर दे दो भैया, दो चेयर, दो चेयर, सचिन सचिन
Oh,